हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है ना? देखो, इसके अंदर काफी सारी बातें हैं, तो जैसे मैं हर बार ही बोलता हूं कि ये थोड़ा सा लेंदी है पार्ट। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो कि हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जाननी जरूरी है और जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना? क्योंकि बात अब तुम्हारे केवल फाइनल एग्जाम की नहीं है, बात तुम्हारे अब एग्जिट एग्जाम की भी है, है ना? तो जो इंट्रोडक्शन रहेगा और जितनी बातें हमने कर ली, जो 15 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब तक इसमें 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है वहां से भी आएंगे। ठीक है, तो केवल इसलिए मत पढ़ो कि फाइनल एग्जाम देना है, इसलिए ही पढ़ो। फाइनल एग्जाम देने के बाद भी अगर पास हो जाते हो लेकिन एग्जिट एग्जाम में नहीं निकलते हो तो क्या हो जाएगा? हाथ में वो तो मिलेगा नहीं, लाइसेंस तो मिलेगा नहीं, तो वो बेकार हो जाएगा तुम लोगों के लिए। और जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा उतना लेट होता चला जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग 10 पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके थे। 5 पॉइंट बचे हुए हैं जिनको आज हम पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्कोप वाला लेक्चर आएगा और फिर इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा पार्ट अगर हम लेंदी या वो लेके चल रहे हैं, उसका एक मेन मकसद ये भी है। क्या है? लेंदी नहीं है। देखो, जनरल में इतनी बातें होती हैं, मैं फिर बता रहा हूं, कहीं पे भी आप जाएंगे तो जनरल फार्माकोलॉजी में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब पता ही है सब लोगों को। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? डॉक्टर जो पर्चे पर, डॉक्टर का जो पर्चा होता है उस पर लिखता है, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था प्रिस्क्रिप्शन क्या है? डॉक्टर का पर्चा, है ना, डॉक्टर का पर्चा। ठीक है, तो डॉक्टर के पर्चे में अक्सर ऐसी क्या बात है बेटा? वो भी बड़ा कायदे का होना चाहिए, है ना, एक उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड, एक पैमाने तय है, उसके हिसाब से अगर नहीं होगा तो काम नहीं चलने वाला है। उसको भी डिवाइड किया गया है किस हिसाब से, वो देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, ये प्रिस्क्रिप्शन इज अ मेडिको लीगल, मेडिको लीगल होना मेडिकल और लीगल, कानूनी वाला होता है ये, डॉक्यूमेंट होता है रिटन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? आपके एमबीबीएस डॉक्टर या उसके ऊपर एमएस वगैरह सर्जन है या डेंटिस्ट है, ठीक है ना, वो सब मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर काउंट किए जाते हैं। टू द फार्मासिस्ट, ठीक है ना, पर्चा किसके लिए लिखते हो? फार्मासिस्ट के लिए। आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, फिर उसको पढ़ता है और आपको दवाइयां दे देता है। गिविंग डायरेक्शन टू कंपाउंड, कंपाउंड मतलब दवाइयों को बनाए, और डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, और दे आपको एक खास दवाई फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट, किसी एक पेशेंट को, है ना, हर एक पेशेंट का पर्चा अलग अलग होता है। तो आखिरकार प्रिस्क्रिप्शन क्या है? ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। क्या हो गई ये डेफिनेशन? की अगर आता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन इज ए मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, जो पर्चा है वो इसको डॉक्यूमेंट बोला गया है। रिटन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? जो अपने एमबीबीएस या डेंटिस्ट वगैरह होते हैं। टू द फार्मासिस्ट, किसके लिए लिखा जाता है? फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है, जिसमें डायरेक्शन दिए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं। टू कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब दवाइयां बनाना, और डिस्पेंस करे आ स्पेसिफिक मेडिकेशन, एक खास मेडिकेशन जो उसके अंदर लिखी हुई है, टू इंडिविजुअल पेशेंट को। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, मतलब पर्चे के नाम से खुद भी बना सकते हो, लेकिन कुछ क्या होते हैं साइंटिफिक टर्म्स हैं जो अगर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? कुछ अगर साइंटिफिक टर्म तुम लोग उसमें लिखते हो तो क्या रहता है, टीचर काफी ना खुश हो जाता है कि अच्छा चलो बच्चे ने ऐसी बातें लिखी। अदरवाइज इसको तुम क्या कर सकते हो, जब कुछ नहीं आएगा तो हमें पता जा रहा है यार, सर ने तो बताया था दवाई का पर्चा है, तो क्या कर दें, इट इज अ पेपर। अगर मान लो एकदम देसी में आ जाओ तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, इट इज अ पेपर, या इट इज अ पेपर ऑन विच डॉक्टर राइट मेडिसिन, इन विच पेशेंट नेम, डॉक्टर्स नेम, एड्रेस, ऑल थिंग्स आर गिवन। ये इस तरह से अपनी चीजें लिख सकते हो, यानी कि एक तो समझ लो इसको, याद कर पाओ तो अच्छी बात है, और अगर बिल्कुल मान के चलो कि हमें रटना नहीं बिल्कुल भी, तो चीजों को दिमाग में सेट कर लो और अपनी लैंग्वेज बना के लिख दो, है ना। तो यानी कि ये बात क्या कहलाती है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि लकीर का फकीर मत बनो, थोड़ा सा अपना भी चीजें ऐड कर सकते हो, है ना, कुछ दो चार बातें ले ली, डॉक्यूमेंट वाला पेपर की जगह डॉक्यूमेंट वर्ड याद हो गया,
मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, अच्छा इनको मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके आप कहाँ जॉब करोगे, मेडिकल स्टोर पे बैठते तो अलग बात है, अगर कहीं जॉब करते तो ये सारे टर्मोलॉजी आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेंगी। आगे आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। ऑब्वियसली बात है, एक डायरेक्ट लिंक होता है, तीन लोगों को जोड़ता है, फिजिशियन मतलब डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को और पेशेंट को। ठीक है, ओवर द ईयर जैसे जैसे साल गुजरते गए, अगर हम पिछला पार्ट उठा के देखें, द डिमांड फॉर इंडिविजुअली कंपाउंडेड मेडिसिन हैज डिक्लाइन। अब ऐसा क्या था कि इंडिविजुअली कंपाउंडेड मेडिसिन मतलब जो एक एक को है ना, अलग अलग दवा को लेकर के है ना, बेसिकली होता क्या था, डॉक्टर ने बता दिया कि ये करना है, तो फार्मासिस्ट क्या करता था, एक दवा लिया, पीसा चूरा किया, मिक्सअप किया, बना करके किसी को एक एक को दिया। तो इस तरीके से सिंगल बंदे को मेडिसिन देने का जो ट्रेंड था, धीरे धीरे वो क्या हो गया, कम होता गया। देयरफॉर फार्मासिस्ट लार्जली परफॉर्म द रोल ऑफ फाइलिंग प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, एंड पेशेंट एजुकेशन, इंश्योरिंग सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज बाय द पेशेंट। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया है, उनका रोल क्या रह गया है, प्रिस्क्रिप्शन को फाइल करना, प्रिस्क्रिप्शन क्या रहता है, एंड पेशेंट एजुकेशन, और पेशेंट को एजुकेट करना, ठीक है ना, जो इंश्योर करता है सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज बाय द पेशेंट। क्योंकि अब फार्मासिस्ट का जो मेन रोल रहता था पहले, कि डॉक्टर ने केवल क्या लिख देता था, सॉल्ट लिख दिया, पैरासिटामोल देनी इसको, ये करना है ये करना है। उसके बाद फार्मासिस्ट क्या करता था, फार्मासिस्ट का जो मेन रोल रहता है, अच्छा पेशेंट का वेट इतना, उसके हिसाब से कब कब दवाई दी जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारे काम किसके होते थे, फार्मासिस्ट का होते थे। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड में यहाँ पे क्या आ गया, चेंज आ गया है। तो ठीक है, ये वाला पार्ट चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस लाइन को यहाँ से हटा सकते हो कि एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डायरेक्ट लिंक है किसी से बीच में। अब मेन चीज, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी, यानी कि क्या क्या एक तरह से उसके कैरेक्टर होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक्यूरेटली एंड लेजिबली रिटन, लेजिबली मतलब साफ सुथरा। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, लो जी होगी दवाई कौन पढ़े, खुद पढ़े और खुदा पढ़े और फार्मासिस्ट पढ़े, जो उनके खुद के बने हुए होते हैं मेडिकल स्टोर वाले, है ना, वो पढ़ लेता, अच्छा ये इस तरह बना हुआ है, ये दवा है। बट ये गलत है, तरीका गलत है, ये साफ साफ मेंशन है हमारे फार्मेसी एक्ट में, मतलब जो हमारे कानून है, कि आपको दवाई बकायदा साफ सुथरी लिखनी पड़ेगी, जिससे कि हर कोई उसे समझ ले। क्यों ये सब यहां पढ़ेंगे, अगर ऐसा लिखा है तो ये बड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ये है क्या चीज, ये है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, इट शुड कंटेन द पेशेंट नेम, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इट शुड कंटेन पेशेंट नेम, पेशेंट का नाम होना चाहिए, द प्रिस्क्राइबर, किसने प्रिस्क्राइब किया उसका भी नाम होना चाहिए, द मेडिकेशन, दवाइयां होनी चाहिए जो कि डिस्पेंस दी जानी है, द मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से लिया जाना है, जैसे मान लो इंजेक्शन है, आईवी लगना है कि आईएम लगना है, ठीक है ना, एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने दिन तक लेना है, ये सारी बातें इसके अंदर होनी चाहिए। अब अवॉइड abbreviations, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म को हमको शॉर्ट फॉर्म उसमें नहीं लिखनी है, एंड लैटिन एज द लीड टू डिस्पेंसिंग एरर। एब्रीवेशन से क्या मतलब है, अभी हम इसमें डिटेल में देखेंगे, कुछ एब्रीवेशन होते हैं, जैसे पैरासिटामोल के लिए हम लोग पीसीएम लिख देते हैं। अब बच्चों पीसीएम जो है पैरासिटामोल के लिए लिख देते हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये इन लोगों के बना दिए गए हैं। तो कई बार क्या है, लैटिन वर्ड का इस्तेमाल होता है जो हम इसमें आगे देखेंगे, और कुछ शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म में कई बार क्या है, मान लो कि डॉक्टर की राइटिंग वैसी है, उसने ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया, अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दो तीन तरह के शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे आगे एग्जांपल समझेंगे कि किस तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म क्लियर नहीं हुई तो उससे क्या है, मेडिकेशन एरर, दवाइयां कुछ और चली जाती हैं। ठीक है, वो सब बातें करेंगे यहाँ पर। तो यानी कि ये भी ये नहीं होना चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन शुड बी प्रिफरेबली बी रिटन इन द डोमिनेंट लैंग्वेज। डोमिनेंट लैंग्वेज का मतलब, अगर आप इंडिया में हो तो जाहिर सी बात है, वैसे तो या तो इंग्लिश में लिखो आप, अदरवाइज आप जिस कंट्री में हो, है ना जो जिस चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड, जो जिस कंट्री में हो, वहाँ की जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, मतलब वहाँ पे लोग जो भाषा सबसे ज़्यादा समझते हैं, आपको उस भाषा में क्या करना है, दवाइयों को लिखना है। बट ओवरऑल अब कहीं ना कहीं इंग्लिश डोमिनेट कर रही है हर जगह पर, तो वो इंग्लिश चल रहा है। लैटिन इज नो लॉन्गर द इंटरनेशनल लैंग्वेज, पहले लैटिन एक बहुत, है ना, जो लैटिन भाषा थी बहुत व्याप्त थी, हर जगह इस्तेमाल होती थी, बट अब इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह गया है। ठीक है, बट अ नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर कंटिन्यू टू यूज ऑब्सोलीट लैटिन यूजेज, बहुत से प्रिस्क्राइबर ऐसे हैं जो लैटिन की कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं, अवॉइड यूजिंग देम, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों, अब होता क्या है, जैसे कि लैटिन एब्रीवेशन फॉर एग्जाम्पल वन कैप क्यू वन डी शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द फार्मासिस्ट एज टेक वन कैप्सूल वंस अ डे। ठीक है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या समझना है, वन कैप क्यू वन डी को
टेक वन कैप्सूल वंस अ डे, एक कैप्सूल एक दिन में लेना है। कायदे में तो इसका मतलब ये हुआ, ये लैटिन भाषा है, बट दिस कैन इजीली बी मिस्टेकन फॉर क्यूआईडी। क्यूआईडी मान लो यहां तो अभी मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है ना, किसी ने लिख दिया इसको क्यू, इस तरह से लिख दिया Q1D है ना, हैंड रिटन फॉर्म में, तो क्या बना ये क्यूआईडी, जिसका मतलब क्या हुआ, दिन में चार बार दवा लेनी है, फंस गए। ठीक है, तो मिस इंटरप्रेशन हो सकता है, जो इंटरप्रेटेड मतलब किसी चीज का मतलब निकालना, वो गलत मतलब निकल सकता है। इसीलिए क्या है, हमें यहां पे जो पॉइंट दिया हुआ है एब्रीवेशन से और लैटिन भाषा से अब बचना है, इसको अवॉइड करना है, लिखते हैं लिखने वाले लोग बट अवॉइड करना है। मोर ओवर इंक्लूजन ऑफ द पेशेंट्स वेट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर पेशेंट का वेट हो स्पेशली इन चिल्ड्रन बच्चों के इसमें, कैन बी यूजफुल इन अवॉइडिंग द डोजिंग एरर, डोज को एरर को अवॉइड करने में हेल्प होता है। क्यों अवॉइड में हेल्प होता है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाद में कि वजन के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है, किसके हिसाब से दी जाती हैं, वजन के हिसाब से, किसका कितना वजन है उसके हिसाब से डोज बढ़ता चला जाता है या कम होता चला जाता है। ओके, ये तो होगी जनरल बातें कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसा होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, तो प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ऑल कंटेंट ऑन ए सिंगल फॉर्म, एक सिंगल पर्चे में सारी चीजें रहती हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर क्या चीज होती है, ठीक है। अभी तुम कहोगे अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, चलो आओ देखते हैं। सुपरस्क्रिप्शन, द सुपरस्क्रिप्शन इंक्लूड द डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो तुम्हारे पास पर्चा है उसमें सबसे ऊपर क्या रहेगा, डॉक्टर का नाम वगैरह रहता है, यहाँ पे डेट वगैरह पड़ जाती है, ठीक है, तमाम चीजें रहती हैं। तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या रहेगा, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब समझ रहे हो ना, डॉक्टर के पर्चा जो दवाइयों के लिए देता है, पर्सनल डाटा ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का पर्सनल डाटा, नेम एड्रेस फोन नंबर वेट है ना, नेम एड्रेस वेट एंड एज ऑफ द पेशेंट एंड द आरएक्स, ये जो आरएक्स लिखा रहता है यहां पर, ये सारा पार्ट क्या रहता है, सुपर, सुपर मतलब जो ऊपर लिखा जाएगा, सुपर मतलब जो ऊपर लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन। नाउ RX is an, अब RX का मतलब क्या है, बहुत से बच्चे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है। तो RX का मतलब क्या है, एब्रीवेशन फॉर द लैटिन वर्ड रेसिपेरे और रेसिप, ठीक है ना, विच मीन्स टू टेक, लेना या टेक दो, दोनों का मतलब क्या है, मतलब दवाई को लो, RX मतलब ये दवाई लो, हम लोग यहां लिखना चाहेंगे ना कि आप ये दवाई ले, बस उतना ही मतलब RX का। द सिंबल इज सेड टू डेजिग्नेट जुपिटर द गॉड ऑफ हीलिंग, है ना, क्योंकि जो साइंस है कहीं ना कहीं ग्रीक और लैटिन यहां से सब कुछ आया हुआ है, तो आरएक्स सिंबल जो है किसको दर्शाता है, जुपिटर को, वहां पे जुपिटर क्या है, गॉड ऑफ हीलिंग, उसको गॉड ऑफ हीलिंग माना गया है, जिस तरह से अपने कंट्री में बहुत सारे गॉड है, वैसे हर कंट्री के अपने अपने गॉड है, तो वहां पर क्या है, जुपिटर को गॉड ऑफ हीलिंग माना गया, हील मतलब ठीक करना, ऐसे भगवान जो हमको ठीक करते हैं, तो उसका सिंबल यहां दिया जाता है, जिससे कि एक वो रहे आशीर्वाद रहे ऊपर वाले का, ठीक है। अब आगे आते हैं इनस्क्रिप्शन, अब ऊपर सुपर का हो गया, ऊपर इनस्क्रिप्शन आ गया बीच में, ये है मेन पार्ट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स द नेम डोज फॉर्म सच एज टैबलेट ओरल सॉल्यूशन इंजेक्शन आई ऑइंटमेंट, मतलब जो मेन दवाइयां लिखी जाती हैं ये वो होता है, अमाउंट कितना अमाउंट लेना है, नंबर ऑफ डोज कितनी डोज लेनी है, क्वांटिटी ड्रग टू बी डिस्पेंस और कौन सी ड्रग दी जानी है, ये सारी बातें कहां रहती हैं, इनस्क्रिप्शन में रहती हैं। नाउ सबस्क्रिप्शन, पेशेंट का नाम हो गया, दवाइयां लिख गई यहां पे, है ना, उसके बाद क्या रहता है, नीचे साइन वगैरह रहता है या कुछ डॉक्टर लिख देता है हिदायतें वगैरह। तो सब्सक्रिप्शन में क्या है, दिस पार्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन रहती है यहाँ पर, अबाउट द क्वांटिटी एंड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग टू बी डिस्पेंस, फार्मासिस्ट के लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन रहती है कि हाँ पेशेंट को ऐसा ऐसा कह देना, बातें रहेंगी। लैटिन और इंग्लिश एब्रिविएशन आर यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, टू पेशेंट द फार्मासिस्ट, ठीक है ना, यहां पर हम लोग क्या रहता है, लैटिन या इंग्लिश एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन होता है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए होता है, तो यहां पर हम लोग लैटिन और इंग्लिश एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीडी ट्वाइस डेली, है ना, दवाई के आगे लिख देते हैं बीडी, कोई दवाई लिखी, मान लो लिखा पीसीएम, उसके आगे क्या लिख दिया बीडी, मतलब दिन में दो बार खानी है, टीडीएस दिन में तीन बार खानी है, एचएस रात में खानी है, एसओएस इमरजेंसी हो जब और जब जरूरत है तब खानी है, है ना। तो ये कुछ वर्ड तुम लोगों ने देखे होंगे दवाइयों के आगे पीछे लिखे रहते हैं, मतलब आगे पीछे नहीं यहाँ लिखे रहते हैं, बीडी लिखा रहेगा, टीडीएस लिखा रहेगा। अच्छा कुछ दवाइयां डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर गांव की तरफ होंगे तो वो ऐसे ऐसे सिंबल बनाएंगे बीडी के लिए,
तीन दिन बाद खाने के लिए तीन गोले बना देते हैं, और अदरवाइज फार्मासिस्ट के लिए बोला जाएगा, मतलब फार्मासिस्ट को लोग ना समझे, फार्मासिस्ट को समझना है तो हम बीडी लिख देंगे, टीडीएस लिख देंगे, है ना, एचएस लिख देंगे। तो अब ये फार्मासिस्ट समझता है, हम लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब ने बीडी लिखा है मतलब दिन में दो बार खानी, तो हम पेशेंट को बताएंगे भैया दो बार खानी है, ठीक है, एचएस भैया रात में खानी है, क्लियर है। तो ये सब होता है, ये हो गया अपना सबस्क्रिप्शन में, आगे आते हैं नाउ सिग्नेचर। अब लास्ट में क्या रहता है, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर्स ओन हैंड, अपने खुद के हाथ से ही क्या करना है, जो साइन किया जाना चाहिए और डेट डालनी है उसको खुद को अपने हाथ से, जो कायदा कहता है ना, वरना आजकल क्या होता है स्टैंप लगा दी जाती है कि ये डेट पड़ गई फलाने नेम का। एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो देखा होगा तुम लोगों ने लास्ट में पर्चे में यहाँ पर क्या रहता है, एड्रेस वगैरह रहता है उसका, डॉक्टर वगैरह का, वो सारी चीजें नीचे मेंशन रहती है, टेलीफोन नंबर, ठीक है, शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द प्रिस्क्रिप्शन विच कुड आइदर बी प्री प्रिंटेड, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से प्रिंट आउट किया हुआ हो या अदरवाइज हाथ से लिखें, ऑन द प्रिस्क्रिप्शन और स्टैम्प्ड विद ऑल दिस डिटेल, या फिर स्टैम्प होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी डिटेल होनी चाहिए। दिस विल अलाउ आइदर द पेशेंट और द डिस्पेंसर टू कॉन्टेक्ट, इससे बेनिफिट क्या है, पेशेंट या डिस्पेंसर जो फार्मासिस्ट है, जरूरत पड़ने पर मान लो भाई डॉक्टर साहब का खुद का मेडिकल नहीं है, कहीं और मेडिकल स्टोर है, तो कॉल कर सकता है, भाई डॉक्टर साहब आपकी ये दवा समझ में नहीं आ रही है कैसे क्या है करके, तो जिसे कॉन्टेक्ट कर सके प्रिस्क्राइबर से फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, अगर कोई जरूरत पड़ रही है और पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द प्रिस्क्रिप्शन, पोटेंशियल मतलब कोई बड़ी दिक्कत है अगर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो वो उसको क्या कर सकता है, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उनका एड्रेस फोन नंबर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, क्लियर है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू पेशेंट कंटेन इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज टू बी टेकन, कब कब खाना है, कितनी कितनी खानी है, ठीक है ना, वो सब उसमें ट्रांसक्रिप्शन में आ जाता है। ओके नाउ फॉर मेडिसिन द मिनिमम डोज इंटरवल शुड बी स्टेटेड टूगेदर अलॉन्ग विद द मैक्सिमम परमिसिबल डेली डोज, और क्या होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में अगर बात करें, ये तो हो गया इसके मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट के अलावा और क्या क्या बातें उसके अंदर पॉसिबल है, हमें क्या करना है, मतलब दवाई देते हुए ध्यान रखना है, मिनिमम डोज इंटरवल शुड बी स्टेटेड, एक दवाई का डोज अगली दवाई कब खानी है, मतलब एक अभी खाई है तो अगली कब खानी है, वो उसके अंदर बताना चाहिए अलॉन्ग विद द मैक्सिमम परमिसिबल डेली डोज, है ना। डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि भैया दिन में एक खाना, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो दिन में तीन बार खाना, इससे ज्यादा मत खाना, बात समझ में आई, तो ये बातें मेंशन होनी चाहिए। व्हेन एवर पॉसिबल द क्वांटिटी डिस्पेंस शुड बी एडजस्टेड टू अवॉइड स्ट्रिप कटिंग, अच्छा कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे मान लो 10-10 की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 10-10 गोलियों के पत्ते हैं, और डॉक्टर साहब ने लिखा 21 दिन का कोर्स लिख दिया कि एक गोली रोज खानी है, अब एक गोली रोज खानी है तो होगा क्या, दो पत्ते तो 10-10 के पूरे हो जाएंगे, है ना, जो दो पत्ते हैं भाई 10-10 गोली के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, अब 10-10 गोली के दो पत्ते पूरे हुए तो 20 हो गए, कितने हो गए 20, अब 21 करने के लिए मजबूरी है कि अगली स्ट्रिप का एक गोली यहां से काटनी पड़ेगी, ये काटनी पड़ी गोली, अब इसके दो नुकसान है, क्या नुकसान है, दो नुकसान है, पहली चीज जब ये कटी हुई गोली एक सिंगल टैबलेट पेशेंट के पास गई और ऐसी मान लो एक दो टैबलेट और चली गई तो वो कंफ्यूज कर सकता है, और बिल्कुल उनकी पैकिंग सेम है तो कंफ्यूजन हो सकती है कि ये टैबलेट इसकी है कि इसकी है। जस्ट उल्टा अगर इसी तरह कटी हुई गोलियां दो तीन मान लो उसके पास बच गई हैं, किसके पास, फार्मासिस्ट के पास, हमारे मेडिकल स्टोर में, और एक ही डब्बे के अंदर ये गोलियां कटी हुई पड़ी हुई हैं, है ना, अब जब मान लो डॉक्टर भाई मान लो 20-20 रुपए की गोली है और अब आया पेशेंट लेने के लिए, दोनों गोलियां सेम दिख रही है, एकदम पैकिंग एकदम सेम सी लग रही है, अब उसने कहा अच्छा यही होगा, उसने तो उठा के दे दिया, हो सकता है गलत गोली हो जाए वो, तो इसीलिए यहां पर यही पॉइंट कहना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर संभव हो तो क्या करना चाहिए, हमें पैकिंग के हिसाब से डोज को एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो क्या कह रहा है, व्हेन एवर पॉसिबल द क्वांटिटी डिस्पेंस, जो क्वांटिटी डिस्पेंस की जानी है शुड बी एडजस्टेड टू अवॉइड स्ट्रिप कटिंग, कोशिश की जानी है कि पत्ते ना कटे, भाई आप पूरे पांच पांच कट रहे हैं तो अलग बात है, पूरा पूरा पांच पांच कट गया तो अलग बात है, उसमें तो नाम सब रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब 3 times a day for 7 days, 7 दिन के लिए दिन में सुबह दोपहर शाम खाने के लिए बोली गई है, विच मेक्स द टोटल क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड एज 21 टैबलेट, जिसके हिसाब से बनती है कि 21 गोलियां देनी है, डिस्पेंस की जानी है, एंड द अवेलेबल पैक साइज इज ऑफ 10, और जो पैक साइज अवेलेबल है टैबलेट का वो 10 गोलियों का पत्ता है, ठीक है,
देन 20 टेबलेट कुड बी डिस्पेंस टू अवॉइड द स्ट्रिप कटिंग. तो 20 गोलियां ही दो जिससे कि स्ट्रिप कटिंग बच जाए. स्ट्रिप कटिंग इज एन एरर प्रोन एक्टिविटी. प्रोन मतलब एक तरह से एरर, जो प्रोन का मतलब होता है संभावना, एरर पैदा करना, गलतियों को पैदा करने की संभावना हो जाती है ना. जो मैंने बताया कि इस तरीके से दोनों की पैकिंग सेम है, दोनों कलर सेम है और दोनों अलग अलग गोलियां और एक एक गोली पड़ी हुई है, तो उसमें एरर होने की संभावना बढ़ जाती है. एंड कैन बी डेंजरस इफ इट इन्वॉल्व लुक अलाइक. और ये खतरनाक हो जाता है. एक तो गलती होने की संभावना बढ़ी, और खतरनाक कब है, जब लुक अलाइक, दो गोलियां एक जैसी दिख रही हैं एंड साउंड अलाइक, है ना, नाम एक जैसा है और दिखती एक जैसी है, तो फिर तो भैया मान के चलो जो एक एक टैबलेट पड़ी है बहुत ज्यादा संभावना है कि गलत गोली मिल जाए जल्दबाजी में. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब फॉर लिक्विड प्रिपरेशन द क्वांटिटी शुड बी स्टेटेड इन मिलीलीटर्स. लिक्विड के लिए क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मिलीलीटर में लिखी जानी चाहिए, और लीटर्स एब्रिविएटेड एज एल. लीटर में हमें एल को एल शो करना है क्योंकि लेटर जो एल है, छोटा वाला एल, कुड बी कंफ्यूज विद द फिगर वन, है ना. हम लोग वन भी ऐसा लिख देते हैं, एल भी ऐसा लिख देते हैं, तो ये दोनों पे क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है. तो इससे बचने के लिए लीटर को हमेशा कैपिटल एल से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलें आगे. अब क्या कह रहा है देखें जरा. द प्रेस्क्रिप्शन फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंस. कंट्रोल्ड सब्सटेंस हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में. कंट्रोल होते हैं जो नारकोटिक्स होते हैं, जिनसे नशा होता है. इज वैलिड फॉर अप टू 14 डेज. अगर आप कोई कंट्रोल्ड सब्सटेंस यानी कि कोई नारकोटिक मेडिसिन किसी को दे लिख रहे हो तो केवल 14 दिन के लिए लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे. ठीक है. द प्रेस्क्रिप्शन फॉर नारकोटिक शुड बी री रिटन एंड शुड नॉट बी रिफिल्ड बाय कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट एज अबव. और अगर ये ट्रीटमेंट रिपीट होना है तो आप नीचे नहीं लिखेंगे सेम एज अबव ना, वापस से पूरा प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे. ये कायदा है. इसमें कई सारे नुकसान हो जाता है, और सेम एज अबव में होता है कि पेशेंट को लगता है अरे वही तो डॉक्टर साहब लिखेंगे, तो चलो चल के हम खुद ही ले लेते हैं. उसमें क्या है, ड्रग अब्यूज हो सकता है. ड्रग अब्यूज समझते हो, लत लग सकती है, क्योंकि नशीली दवाइयां होती हैं ये. अच्छा, दूसरी बार जाओगे डॉक्टर साहब फिर लिखेंगे तो पेशेंट को लगेगा कि डॉक्टर साहब ने हमारी दवाइयों में कुछ चेंज किया होगा या कुछ लिखा हुआ है, तो हो सकता है. इसीलिए क्या है, 14 दिन के लिए लिखी जानी चाहिए, और अगर 14 दिन के बाद उसको रिपीट करना है तो वापस से लिखना है, उसको रिफिल्ड नहीं कर देना है, कंटिन्यू सेम एज अबव ये लिख के नहीं छोड़ देना है. बात समझ में आई? ठीक है. अब बात करते हैं ऑफ लेवल प्रिस्क्राइबिंग. ये क्या चीज होती है? ठीक है, वो सारी बातें तो होगी हमारी प्रिस्क्रिप्शन की. अब ऑफ लेवल प्रिस्क्राइबिंग क्या होता है, एक छोटा सा टर्म है, समझते हैं. ऑफ लेवल मीन द लाइसेंस्ड मेडिसिन इज यूज्ड इन अ मैनर नॉट स्पेसिफाइड इन DRS अप्रूव्ड पैकेजिंग लेवल और इंसर्ट. ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास एक मेडिसिन है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है कुछ काम करने का, कि ये मेडिसिन हमारे दर्द को ठीक करती है, चलो मान लिया. ठीक है, DRS ने अप्रूव किया कि ये पेन किलर है, बट ठीक है, बट डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उसको पेन किलर की तरह इस्तेमाल ना करके उसका एक और भी कोई इस्तेमाल होता है, उस दूसरे काम में लेके आ रहे हैं उसको. समझ में आ रही है? मतलब एक मेडिसिन होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन का मेन काम तो पेन किलिंग का है, लेकिन उसको दूसरा मेन काम जिसके लिए वो अप्रूव्ड है वो काम ना लेकर के दूसरे किसी ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी वो थोड़ा बहुत क्या करती है, फायदा करती है, हेल्प कर देती है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर यूज ट्रीटमेंट ऑफ स्पैस्म. स्पैस्म होता है पेट में जो ऐठन वगैरह या मरोड़ उठती है, उसको ठीक करने के लिए बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का जो है अप्रूवल है. बट इट इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन इज ऑफ लेवल यूज. बट ये माइग्रेन में भी हेल्प करती है, तो इसका माइग्रेन में डॉक्टर क्या है, तो उसके लिए दर्द के लिए. स्पैस्म में क्या है, मरोड़ वाला दर्द है ना, है तो दर्द वाली वेराइटी, लेकिन अब खासकर पेट के दर्द के लिए अप्रूव हो रखी है DRS के थ्रू. बट ये कहीं ना कहीं माइग्रेन जो हमारे सर का दर्द है उसमें भी हेल्प कर देती है. तो ये ऑफ लेवल डॉक्टर इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, माइग्रेन के लिए कर रहे हैं. कीमोथेरेपी इज अप्रूव टू ट्रीट वन टाइप ऑफ कैंसर. कीमोथेरेपी एक खास टाइप के कैंसर के लिए ठीक करने के लिए. बट इफ इट इज यूज टू ट्रीट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. एक खास टाइप के कैंसर, कैंसर भी कई वैरायटी के होते हैं, एक कीमोथेरेपी एक टाइप के कैंसर के लिए बनी हुई है, लेकिन अगर किसी दूसरे टाइप के कैंसर में उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ लेवल हो जाएगा. बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज ऑफ लेवल. तो बेटा यही तो है जनरल फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा ये सारे टर्म्स हैं. ठीक है, आगे आते हैं. ऐसा होता है. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, क्या सिद्धांत हमें अपनाने हैं और क्यों अपनाने हैं. तो पहला तो मुद्दा ये है कि क्यों ये सिद्धांत हमें अपनाने हैं. तो सिद्धांत इसलिए अपनाना है
इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, डू फर्स्ट डू नो हार्म, सबसे पहला सिद्धांत क्या है, किसी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल इन ट्रीटमेंट इज फर्स्ट डू नो हार्म, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। किसने कहा था ये, हिप्पोक्रेट्स ने कहा था। ऐसा क्यों कहा हिप्पोक्रेट्स ने, है ना, मैंने लिख भी दिया ऐसा क्यों कहा, क्योंकि स्टोरीज ऑफ मेडिकल रेमेडीज, जो अगर हम इतिहास उठाएं अपना और वहां से कहानियां देखें किसी को ठीक करने की, तो वहां से हमें एक चीज देखने को मिलेगी, कॉजिंग मोर हार्म देन गुड हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम टाइम इमोरियल, ठीक है ना, चीजें ठीक तो हुई हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है, एक गलत मेडिकेशन हो जाए या कुछ चीजें गलत हो जाए, तो इसकी कहानियां भरी पड़ी हैं कि गलत दवाई खा ली, रिएक्शन हो गया, ये हो गया, गलत दवा खाने से उसके साथ ऐसा हो गया, तो उसकी भी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है डू नो हार्म, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें, अब ये वर्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इट्रोजेनिक डिसऑर्डर, जो हमने दवाइयां खाई कुछ ठीक होने के लिए, ठीक तो हो गए लेकिन उसने कुछ और बीमारियां पैदा कर दी, ठीक है, डेट इज कॉल्ड इट्रोजेनिक डिसऑर्डर। ऑकर व्हेन डेलिटोरियस इफेक्ट, डेलिटोरियस मतलब नुकसानदायक असर हो ऑफ द थेरोपेटिक और डायग्नोस्टिक, डायग्नोज करने मतलब है, कई बार क्या होता है हमारे अंदर जब ट्रीटमेंट होता है, सपोज मान लो जैसे कि एंडोस्कोपी होनी है तो पेट के अंदर पाइप डाला जाता है, कई बार कुछ मेडिसिन भी खिलाई जाती है, है ना, तो ये होता है डायग्नोसिस, कोई चीज डायग्नोज करना है मतलब जांच करनी है, जांच करने के लिए या थेरोपेटिक चिकित्सा चल रही है किसी इलाज के लिए, ठीक है ना, और क्या हो जाए, कोई बीमारी पैदा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इट्रोजेनिक डिसऑर्डर, जैसे कि एक्स्ट्रा पैरामीडल सिम्टम सीन विद एंटी साइकोटिक एजेंट, ये एक्स्ट्रा पीएमएल सिम्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एग्जाम्पल याद रहे तो अच्छी बात, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया डिसऑर्डर, लेट्रोजेनिक डिजीज, आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर, लेट्रोजेनिक डिजीज एक ही मतलब होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस एंड कंस्टिट्यूट अ ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न, मतलब ये जो डिजीज बीमारियां बन रही हैं, एक दवाई खाओ तो उससे दूसरी बीमारी बन जाती है, ये आजकल एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है और चिंता का विषय है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा, ठीक है। नाउ पॉलीफार्मेसी, लोग पॉलीफार्मेसी भी कर रहे हैं जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीफार्मेसी क्या होता है, पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल ड्रग्स एंड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट मेडिकेशन हैव बीन एसोसिएटेड विद मेनी नेगेटिव हेल्थ आउटकम इंक्लूडिंग एडवर्स ड्रग्स, ठीक है, पॉलीफार्मेसी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर क्या है, एक साथ कई सारी दवाइयां दे देते हैं डॉक्टर, पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ, क्या हो जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एडवर्स आपस में रिएक्ट कर सकता है, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, हमारे लीवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज कर जाएगी, एडिक्शन हो सकता है, किसी दवा का एडिक्ट हो सकता है कि वो दवा है ना नशे की लत लग जाए, हम लोग एडमिट हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, मौत तक हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉलीफार्मेसी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसका नतीजा होता है। तो क्यों हमको प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत पड़ी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो ये कुछ वजह है उसकी कि वाई, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग वाई प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये उसके रीजन है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो उसके कुछ यहां पर वो दे रखे हैं कि क्या प्रिंसिपल हमको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या करना है हमको, देखो बेसिक सी बातें एक एक लाइन में फटाफट देख लेते हैं, पेशेंट प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ड्रग, सही ड्रग को डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं संभावित उसको देखना है, कंसीडर पेशेंट्स बिलीफ कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन, पेशेंट क्या चाहता है और उसका क्या मानना है ना, दवाइयों को लेकर उसकी क्या सोच है, पता चला वो दवाइयों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता है, ठीक है, दवाइयां कहीं कम खाने का इच्छुक है, तुमने चार दवाइयां लिखी हैं वो खाना नहीं चाहता, दवाई एक दवाई खा के रहना चाहता है, ये सब बातें उसे डिस्कस करनी है। सिलेक्ट सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग, अब हमें सिलेक्ट करना है जो सुरक्षित दवा हो उसके हिसाब से, है ना, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कहीं से कोई रिएक्शन वगैरह कोई चीज़ तो नहीं है, और जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, पैसे में कम हो, अडहेयर टू नेशनल एंड लोकल गाइडलाइन, जो गाइडलाइन डिसाइडेड है इलाज के लिए उसके ही थ्रू उसके ही अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, फॉलो करना है, राइट अनएम्बिगुअस लीगल प्रिस्क्रिप्शन, अनएम्बिगुअस जिसमें कंफ्यूजन ना हो, है ना, ऐसा ऐसा वाला नहीं, क्लियर प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, मॉनिटर करना है बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट, पेशेंट जब टाइम टू टाइम आता रहेगा तो बकायदा उससे बात करनी है, भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या क्या फायदे होने स्टार्ट हो गए हैं दवा खाने के बाद, कम्युनिकेट द एक्चुअल रीजन, कई बार क्या होता है कुछ चीजें होती हैं लोग शर्माते हैं बताते नहीं, तो एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों कोई चीज हो रही है उसको कम्युनिकेट करना है, प्रिस्क्राइब विद इन लिमिटेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो आपके पास नॉलेज है
और जो तुम्हारे को चीजें पता है एज ए डॉक्टर उसी में लिखिए आप। ये नहीं कि अच्छा ये दवा दे चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये काम नहीं करना है। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में नहीं पता, होता है कई बार, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे दे दिया। मॉनिटर एंड एवोल्यूएट द ट्रीटमेंट, आप मॉनिटर करते रहे, देखते रहे और जांच पड़ताल करते रहे किसकी, ट्रीटमेंट की। तो ये तुम्हारे पास क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग राइटिंग है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है, क्लियर है बातें। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर पे, मेडिकेशन एरर, गलतियां दवाइयों में गलतियां। आओ देखें जरा, तो क्या कह रहा है, एवरी स्टेप इन पेशेंट केयर, पेशेंट का जो देखरेख करनी पड़ रही है ना, देखरेख का मतलब क्या, डॉक्टर जा रहा है दवाइयां दे रहा है ना, वगैरह वगैरह सारा कंसल्ट कर रहा है, बता रहा है क्या खाना है क्या नहीं खाना, एवरीथिंग पेशेंट केयर में सब कुछ आ जाता है। इन्वॉल्व पोटेंशियल फॉर एरर, यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाओं की गलती हो, एंड सम डिग्री ऑफ रिस्क टू पेशेंट सेफ्टी, और पेशेंट की सेफ्टी को लेकर कुछ डिग्री या कुछ हद तक रिस्क तो होता ही है ना। उन लोगों को सर फायदा क्या, अरे बिल्कुल फायदे वाली बात नहीं होती है। कभी ऑपरेशन कराने जाओ डॉक्टर एक साइन फॉर्म करा लेता है, क्योंकि देखो 0.001% गलती होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये उसी गलती को लेकर के यहां बात होने वाली, जो 0.001% गलती होने की संभावना है, या जो गलतियां हो जाती हैं अक्सर ना चाहते हुए भी, आफ्टरऑल हम लोग इंसान हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के यहां कुछ बातें होने वाली हैं। क्या कह रहा है अभी आगे, कह रहा है एरर इन एम्बुलेटरी, चलने वाला रोगी, जैसे कि बीमार तो है लेकिन चल फिर सकता है, उसको कहते हैं एम्बुलेटरी। एंड आईसीयू, जो इंटेंसिव केयर यूनिट, जो आईसीयू में भर्ती है लेटा हुआ है, ठीक है ना, दोनों की बात चल रही है। एरर इन एम्बुलेटरी एंड आईसीयू प्रिस्क्राइबिंग, यानी कि जो इसको लिखा जा रहा पर्चा और जो इसको लिखा जा रहा पर्चा, आर अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इनमें जो गलतियां होती हैं ये पब्लिक हेल्थ को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है, पब्लिक में हेल्थ मतलब हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। ऑन एवरेज मोर देन वन मेडिकेशन एरर ईच डे इज एक्सपेक्टेड, एक डॉक्टर है जो पूरा दिन सुबह शाम तक कर रहा है, तो एक गलती होना एक संभावित है, ठीक है। मेडिकेशन एरर कैन ऑकर इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, कहां कहां गलती हो सकती है, ऑर्डर करने में, ट्रांसक्राइब करने में जो चीज बताई जा रही है सही से फार्मासिस्ट बता नहीं पाया, डिस्पेंस करने में दवाइयां दी वहां पे कोई गलती हो सकती है, एडमिनिस्ट्रिंग है ना, खाने दी क्या कहते हैं, मान लो 3 बार खानी थी, 1 बार खाई, या एडमिनिस्ट्रेशन में कह सकते हैं क्या कहते हैं इसको, ऐसा होता है ना कि कुछ दवाइयाँ होती हैं मुंह में चबाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं खा ली जाती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ गई। मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन, जो दवाइयाँ दी उसको बाद में मॉनिटर नहीं किया, मतलब 3 दिन बाद या 10 दिन बाद बुला के ये नहीं पड़ताल, जांच पड़ताल की कि दवाइयाँ ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर हो जाता है। अब रिस्क फैक्टर और कॉजेज ऑफ एरर, क्या मेजर कॉजेज हैं किसके, एरर के। तो कहीं ना कहीं तुम लोग देखोगे ये वाला पार्ट और जो पीछे वाला पार्ट थे उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पॉलीफार्मेसी एंड इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, पढ़ चुके हैं पहले हम लोग। तो एक सबसे बड़ा कारण क्या है एरर का, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन और पॉलीफार्मेसी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैंने कहा ना सारे वर्ड्स क्या है, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे ये, इसीलिए। अब पॉलीफार्मेसी इज द लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर, ये जनरल बातें लिखी हुई है, मैंने कहा ना मन से बना के लिख देना कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कुछ इरेशनल बातें लिख देना यहाँ पर कि ऐसे ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं तो वगैरह वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अदरवाइज यहाँ क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर विच इंक्रीज द चांस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एज वेल एज मेडिकेशन एरर, मन से बना के लिख सकते हो ये बात तो, है ना। लुक अलाइक साइंड अलाइक साउंड अलाइक कॉम्बिनेशन, लासा पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन जो दिखते एक जैसे हैं और सुनने में एक जैसे आते हैं, कैसे, यहां पे देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हम लोगों ने, कंफ्यूजिंग ड्रग नेम्स विच लुक अलाइक, कंफ्यूज कर रहे हैं ड्रग जो एक जैसे दिखाई देते हैं और साउंड अलाइक और एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, डॉक्टर ने कहा ये कर ये वाला ड्रग दे दो और सुना कुछ था कुछ, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर, सबसे ज्यादा कॉमन कॉज ये है, एंड इज ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दुनिया भर में चिंता का विषय है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स कंफ्यूजन बिटवीन नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड प्रोप्राइटरी ब्रांड और ट्रेड नेम, मतलब किसी के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड नेम में, इसके जो भी हमारे पास प्रोप्राइटरी और नॉन प्रोप्राइटरी नेम है दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। एग्जाम्पल देखो जरा, ग्लाइनेस ग्लाइब्यूराइड होता है, जाइनेस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइक्लोफेनिक पोटेशियम एंड
सेल्सोपेप्टिडेज होता है, ये शायद ग्लाइबुराइड होता है, ब्लड शुगर को कम करने के लिए होता है, और ये डाइक्लोफेनिक पोटेशियम का सेल्स मतलब सूजन वगैरह और दर्द में काम आता है, कौन जाइनेज। बट जो ग्लाइनेज जाइनेज लिख दिया है ना कि डॉक्टर ने ऐसे करके लिख दिया है ग्लाइनेज, या बोला कि दो ग्लाइनेज के स्टेप दे दो, अब ग्लाइनेज उसने सुना जाइनेज है ना, साउंड अलाइक लुक अलाइक, डायोनिल डुओडिल एंड डायवॉल, अगर सही से प्रोनाउंस नहीं करोगे मतलब डायोनिल डुओडिल डायवॉल, तो क्या है थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ोगे अगर या बोलोगे तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। लैसिक्स लॉरेक्स है ना, लैसिक्स और लॉरेक्स, ये इसमें फ्यूरोसमाइड है, इसमें लोराजीपाम है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसी दवाइयां हैं जो सुनने में एक जैसी लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ दिखाने वाले में क्या होंगी, लुक अलाइक में कौन होंगी, इनकी स्ट्रिप्स एक जैसी हैं लगभग लगभग, क्लियर है, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, इलेजिबल हैंड राइटिंग एंड इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग नेम फर्दर एड टू दिस कंफ्यूजन। अब लासा में, लासा समझ रहे हो ना, ये जो चल रहा था लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, इसमें अगर तुमने गंदी हैंड राइटिंग का इस्तेमाल कर रखा है और नॉलेज तुम्हारी अधूरी है, तो ये लासा को मतलब लासा वाली गलतियों को और बढ़ा देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद सिमिलर पैकेजिंग, एक जैसी पैकेजिंग है, लेबलिंग एंड द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू रिकॉग्नाइज प्रायर टू अप्रूविंग न्यू प्रोडक्ट नेम एंड पैकिंग फर्दर इंक्रीज द मेडिकेशन। मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपनी दवाई बनाई, अप्रूवल के लिए भेजा, अप्रूव हो गया। अब इत्तेफाक ये हुआ कि दो, एक मार्केट में पहले से अवेलेबल है, दूसरा ये आ गया, बिल्कुल एक जैसे स्ट्रिपिंग, नेमिंग, मतलब लगभग मिलता जुलता नाम और बिल्कुल एक जैसी दिखने वाले कलर वाली दवाइयां होगी यहां पर। तो उससे क्या हो गया कि कंफ्यूजन की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ अगला क्या इसमें दिक्कत है भाई, किसमें क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है, रिस्क फैक्टर एरर का अगला कारण क्या है, यूज ऑफ एब्रिवेशन फॉर ड्रग नेम। हम लोग एब्रिवेशन का यूज करते हैं संक्षिप्त नामों का, ठीक है, जैसे इसको हम एक्रोनिम्स कहते हैं, जैसे पैरासिटामोल के लिए पीसीएम सीपीएम, ठीक है, सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजीन के लिए सीबीजेड, कार्बामाजिपिन के लिए टीएचपी, ट्राईहेक्सीफेनाइडिल के लिए टीएफपी, ट्राईफ्लोरो पिराजीन के लिए, ये जो हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीएम सीपीएम सीबीजेड एएसए, ठीक है, 5-ASA, तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म भी क्या होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं कई बार, एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या है सेम नेम हो जाता है, जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, दीज एक्रोनिम्स आर नॉट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि जैसे कि एड्स, एक ऑल ओवर इंडिया में एड्स का फुल फॉर्म एक ही है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि इसके लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यही प्रोनाउंसिएशन किया हो, इसका मतलब यही हो, ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, यूज्ड बाय ऑल एंड मे बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, है ना, सबके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, हो सकता है कि एक शॉर्ट फॉर्म किसी दूसरे के द्वारा कुछ और मीनिंग निकाल ले, है ना, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ये थी, इसका मतलब होना चाहिए था एस्प्रिन, यहां पे इसका मतलब ये कुछ और निकाल ले, ऐसे ये निकाल ले, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल एमएस मैग्नीशियम सल्फेट, हो सकता है एक ने एमएस लिखा मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, दूसरे ने समझ लिया मॉर्फिन सल्फेट, हो गई गड़बड़, ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देयरफॉर फुल ड्रग नेम शुड बी रिटन, लिखा तो जाना चाहिए फुल ड्रग, ठीक है। आगे आते हैं, यूज ऑफ एरर प्रोन एब्रिवेशन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म का लिखना जो गलतियों को पैदा करे, जैसे कि 0.125 mg, ये मिलीग्राम, अब यहां पर क्या है मिलीग्राम, अब ये मिलीग्राम के नीचे चला गया तो माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम के लिए एमसीजी लिखा जाएगा, माइक्रोग्राम के लिए क्या लिखा जाएगा एमसीजी, बीटी ना लिखे, बेड टाइम लिखे 1.0, अब यहां पर क्या कंफ्यूजन हो सकती है, ये 1.0 मत लिखो भाई, वो कहना चाह रहा है 1.0 mg क्यों लिख रहे हो यहां पे, ऐसे मान लो 1.0 गलती से पॉइंट लगाना भूल गया, अगर यहां तो क्लियर दिख रहा है डॉट लिखने का पेन से, तो ये 10 mg हो जाएगा, तो इसलिए सीधा 1 mg लिखो, यानी कि पॉइंट लगा के जीरो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, वहां कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ओडी मत लिखो, वंस डेली लिखो, डी मत लिखो, डेली डोज लिखो, QID मत लिखो, 6 आवर लिखो कि हर 6 घंटे में लेनी है, तो इनसे बचना है हमको, ये एरर पैदा करती हैं, है ना, कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। एरर ड्यू टू मिक्सअप, मिक्सअप का क्या मतलब है, देखो बिटवीन एल एंड द नंबर 1, एल और 1 एक जैसे दिख रहे हैं, मिक्सअप हो गया,
O एंड जीरो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मिक्सअप हो गए. Z और टू है ना, Z लिखना चाह रहे हैं, टू लिखना चाह रहे हैं, दोनों एक जैसा हो गया. वन एंड सेवन यहां से भी कंफ्यूजन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अब Q1D लैटिन फॉर क्वैक डाई विच मीन्स एवरीडे है ना. QID क्या होता है, क्वैक डाई होता है इसका मतलब, जिसका मतलब हमें रोज लेनी है, पहले डिस्कस कर चुके हैं. कैन वी इजिली मिस्टेकन फॉर QID लीडिंग फॉर फोर टाइम्स द डोज, अभी हमने डिस्कस किया, मैंने कहा था कुछ बातें मिलेंगी ठीक है. एंड हैंड रिटन यू अ यूनिट डोज इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है ना. अब जब हाथ से हम यू लिखते हैं, यू का मतलब होता है एक यूनिट डोज, एक सिंगल डोज ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट इन अ सिंगल डोज, कितना अमाउंट एक डोज में लिखा जाना है ना. हम लिख देते हैं ऐसे पीसीएम 500 यू लिख दिया इस टाइप से, 500 mg दवा एक बार में खानी है ठीक है ना. कुड बी इंटरप्रेटेड एज 0 और 4 ठीक है. अब ये क्या है, अब किसी ने यू ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, 4 जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर ये समस्या हो सकती है. तो यूनिट शुड ऑलवेज बी रिटर्न, तो इसलिए हमें यूनिट को हमेशा यूनिट लिखना है. जैसे मान लो 500 यूनिट, तो यूनिट पूरी लिखनी है, इतनी यूनिट हमें खानी है, तो पूरा बकायदा यूनिट लिखें, केवल यू लिख के ना छोड़ें. तो ये कुछ मिक्सअप्स थे, कंफ्यूजन होने वाले, बात समझ में आ रही है. तो क्यों गलतियां पैदा हो रही हैं, उसके हमने ये 5 कारण जाने और समझने की कोशिश की. क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है. चलो अगला देखते हैं हम लोग, इरेशनल नॉन एसेंशियल एंड हजार्डस ड्रग इन द मार्केट. आओ देखें क्या कह रही है हमारी हेडिंग जो 13 है ठीक है. तो इरेशनल नॉन एसेंशियल एंड हजार्डस, हजार्डस मतलब नुकसानदायक ठीक है ना. इरेशनल पढ़ चुके हैं हम लोग, नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है ठीक है, इरेशनल जो तार्किक नहीं है, लॉजिकली नहीं है सही. इन मार्केट, मार्केट में कुछ ऐसी दवाइयां मौजूद है जो इरेशनल है, जरूरी नहीं है, नुकसानदायक है. कहां से आ रही है ये, कैसे आ रही है, क्या वजह है, क्यों आ जाती है मार्केट में, तो आओ देखें क्या कह रहा है ये. कह रहा है ट्रिमंडस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिमंडस मतलब होता है बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव देख चुके हैं, हैज बीन टेकन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं सिंस द 1950 से अगर लेके चले आज तक की बात करें तो बहुत जबरदस्त चेंजेस आ चुके हैं, लीडिंग टू इट्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट. अब मुद्दा प्रॉफिट का हो गया. At the same time, huge number of irrational, non-essential and hazardous drug have flooded the market. अब मार्केट में इन दवाइयों की बाढ़ सी आ गई ना. फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़. किन दवाइयों की, irrational, non-essential, hazardous drug. ये ड्रग्स कौन से हैं और किन को हम कहते हैं ये, आओ समझते हैं. It needs to be clearly understood. इसकी जरूरत है साफ साफ समझने की, that as little as about 300 to 400 pharmaceuticals are capable of providing all the useful therapeutic value that any medicine can provide for any type of illness. सिर्फ 300 से 400 pharmaceuticals या preparation या कह लो chemical काफी हैं हर तरह की दवाई मर्ज को ठीक करने के लिए. बात समझ में आ रही है ठीक है. This is what the essential medicine list, और यही तो है essential medicine list जो हम पीछे पढ़ चुके हैं. रियल में क्या है, यही 300-400 ड्रग्स हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं और पर्याप्त हैं. बट Even if we include a number of drugs which are safe and efficacious but duplicate the effect provided by one of these 300 chemical. कह रहा है अगर, even if, अगर हम चलो ये भी कर लेते हैं, उन ड्रग्स को भी काउंट कर लेते हैं जो इन 300-400 ड्रग्स की कॉपी करते हैं. मतलब जैसे कि हम बात करें पेन किलर में कौन कौन है, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमोसलाइड, ब्रूफिन है ना, तो है तो सब पेन किलर, थोड़ा बहुत इनका वो रहता है, डिफरेंस रहता है ठीक है. तो कह रहा है अगर ये जो उन ड्रग्स को भी काउंट कर लें जो इन ड्रग्स की कॉपी करते हैं, मतलब है इनका केमिकल फॉर्मूला अलग है बट काम वही है, दर्द का ही है या बुखार ठीक करने का ही है ठीक है. तो कह रहा है स्टिल वी शुड हैव मैक्सिमम 750-1000 ड्रग्स ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट. अगर हम इनको भी जोड़ लें जो इनकी कॉपी करते हैं ड्रग, तो हमारी जो लिस्ट बनती है जाकर के कितनी बनती है, 750 से लेकर के 1000 ड्रग्स से बनती है. बट येट तो भी इट इज Estimated that there are as many as 70,000 formulations available in the market today. देख रहे हो, केवल हजार की मैक्सिमम जाओगे तो हजार, लेकिन मार्केट में कितनी अवेलेबल है, 70,000. मार्केट में कितनी अवेलेबल है, 70,000. कंफ्यूजन क्यों ना हो, हर कोई अपना प्रॉफिट देख रहा है, समझ रहे हो बात को. ये हजार की जरूरत है, 70 गुना ज्यादा. अब
दिस इज अ सोर्स ऑफ ट्रिमेंडस कंफ्यूजन, यही सोर्स है ट्रिमेंडस कंफ्यूजन का, ठीक है, फॉर बोथ द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। आप चले जाओ, डॉक्टर ने एक दवा लिख दी है और फिर आप किसी के पास चले जाओ, कहेगा अरे नहीं इससे अच्छी दवा तो ये है, वही काम करेगी लेकिन इससे अच्छा काम करेगी, वही कंफ्यूजन पैदा। और डॉक्टर कहता है नहीं भाई हमारी दवा, हमारी दवा खाना, दूसरी दवा मत खाना। अब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो वो कहता है भैया ये दवा नहीं है ये काम कर देगी सेम, आप नहीं मानते क्योंकि आप डॉक्टर ने, आप डॉक्टर आपको बोल चुका है कि यही दवा लेनी है, मिले तो नहीं लेना, क्यों, वो दवा कहीं और जल्दी मिलेगी नहीं, वो उनकी ही मेडिकल स्टोर में मिलती है। तो ये सारा खेल चल रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा ये तो प्रैक्टिकल बातें कर ली हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस ये वजह है कि क्यों 70,000 फॉर्मुलेशन मार्केट में आ गए हैं, प्रॉफिट लालच। दिस इज अ सोर्स ऑफ ट्रिमेंडस कंफ्यूजन फॉर बोथ द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट, सिंस इन एनी केस द पेशेंट वुड हैव लिटिल नॉलेज ऑफ व्हाट ड्रग हैज बीन प्रिस्क्राइब। क्योंकि कह रहा है किसी भी केस में ले लो, सिंस इन एनी केस, किसी भी केस में देख लो, पेशेंट वुड हैव लिटिल नॉलेज, पेशेंट को बहुत थोड़ी नॉलेज है ऑफ व्हाट ड्रग हैज बीन प्रिस्क्राइब, कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब होना है उनको, एंड इवन डॉक्टर्स वुड नॉट इजिली बी एबल इंटरप्रेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अनदर डॉक्टर। और इस यही वजह है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इजीली क्या नहीं कर पा रहा है, इंटरप्रेट, मतलब कि उसको समझ नहीं पा रहा है कि उनने क्या दवाइयां लिख दी हैं, बिल्कुल एकदम अलग चल रहा है, मैं ये सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरा कोई और सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या चल रहा है, कई बार बड़ी दिक्कत हो जा रही है। बात समझ में आ रही है, तो समझ रहे हो ये हेडिंग का मतलब क्या है। तो ये कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं नॉलेज पर्पज से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, इट इज एस्टिमेटेड दैट एज मैनी एज 90% ऑफ ड्रग्स सोल्ड इन द मार्केट टूडे, कह रहा है ये हम अंदाजा लगा ले, एस्टिमेट कर ले, लगभग 90% दवाइयां जो मार्केट में बेची जा रही हैं आज के टाइम पे कंज्यूम्ड बाय पीपल आर द सेम एसेंशियल ड्रग बीइंग सोल्ड अंडर द डिफरेंट ब्रांड नेम। वही ड्रग है लेकिन ब्रांड नेम अलग अलग है, हर कंपनी अपना ब्रांड नेम दे रही है, ठीक है, और दे मे बी एसेंशियल ड्रग और वॉर्स दे मे बी इवन इरेशनल अनसाइंटिफिक एंड हजार्डस ड्रग। या तो वो क्या होंगी, सोल अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, दूसरे ब्रांड नेम के अंदर बेची जा रही हैं, और दे मे बी इन एसेंशियल ड्रग, या ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, और वॉर्स उससे बुरा क्या हो सकता है, दे मे इवन बी इरेशनल और अनसाइंटिफिक, वो यहां तक कि इरेशनल है, तार्किक नहीं है, इस्तेमाल करना सही नहीं है और अनसाइंटिफिक है, और हजार्डस ड्रग या नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहां मुद्दा यह आता है कि दवाइयां मार्केट में क्या इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, फिर DRA क्या कर रहे हैं, वो सब अभी यहां डिस्कस होगा यहां पर, ठीक है ना, लेकिन मार्केट में ये है, ये दवाइयां मौजूद है, सबको पता है, तो उसके ऊपर भी हमको टॉपिक को समझना है, चीजें जानना है। अब बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ दिस ड्रग, आखिरकार ये ड्रग आए कहां से, यही दिमाग में चल रहा होगा तुम लोगों के कि ये ड्रग्स तो है मार्केट में लेकिन आए कहां से, और समझते हैं वजह हमने ऊपर जानी, ठीक है, मेनली क्या है, प्रॉफिट का खेल है सारा। मोस्ट फॉर्मुलेशंस आर ब्रांड नेम गिवन बाय कंपनी फॉर द सेम ड्रग। अब क्या है, ड्रग सेम ही है, पैरासिटामोल है या निमोसलाइड है, लेकिन हर कंपनी अपना ब्रांड नेम क्रिएट कर रही है ना, अपने अलग नाम से मार्केट में निकाल रही है, अलग नाम से उसके प्रचार करते हुए डॉक्टर के पास ले जा रही है, ठीक है। जेनरिक दवाइयां इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर कंपनी अपना ब्रांड नेम दे रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो कारण यह है कि मार्केट में इतना सारा फॉर्मुलेशन क्यों आ रहा है। अनदर लार्ज सेट ऑफ फॉर्मुलेशन आर अनदर, दूसरा वजह क्या है, लार्ज सेट ऑफ फॉर्मुलेशन आर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। आजकल मार्केट में ये बहुत आ रहा है, एक टैबलेट के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, कुछ चीजें तो जायज है। देखो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, टैबलेट एक और उसके अंदर केमिकल वन, केमिकल टू, केमिकल थ्री, केमिकल फोर, तीन चार तरह का केमिकल मिला के दफना के एक टैबलेट बनाई गई, बुखार में भी, दर्द में भी, खांसी में भी, जुकाम में भी, सब में काम कर रही है टैबलेट, ये गलत है। ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन केवल उनका बनता है, उन दवाइयों का बनता है, उन दो केमिकल को लिया जाता है, वो दोनों केमिकल जब साथ होते तो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, तभी बनता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अदरवाइज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दिक्कतें बहुत आती हैं, ठीक है, नहीं लेना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल है और क्यों नहीं हट पाती या क्या वजह होती है वो सब अभी यहां डिस्कस होने वाला है। तो यानी कि जो मैं ये कहूंगा, जो वकालत की जाती है, अच्छा माना जाता है, वो ये है कि अगर सिंगल ड्रग की दवाई लें तो सबसे अच्छा है, एक टैबलेट इसके अंदर बहुत सारी दवाइयां हो वो लेना लाजमी नहीं है, वो लेना ठीक नहीं है। ऐसे कॉम्बिनेशन DRA के थ्रू सिर्फ 8-10 ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट में काफी सारी प्रिपरेशन अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बात समझ में आई, ठीक है ना।
ये एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है ऑफ वन ऑफ मोर ऑफ ड्रग. इट मस्ट बी नोटेड दैट एक्सेप्ट फॉर अबाउट 10 ड्रग, मैंने कहा ना लगभग 10 ड्रग ही है, 10 होंगी, 8 या 12 होंगी, कॉम्बिनेशन वेयर देयर इज अ फार्माकोलॉजिकल सिनर्जी. सिनर्जी मतलब फार्माकोलॉजिकल, एक दूसरे को वो दो ड्रग एक साथ रहेंगी तो दोनों एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं. सिनर्जी इन कंबाइनिंग द ड्रग इन अ सर्टन डोज फॉर्म, और खास एक फॉर्म होगा डोज का, ठीक है. मोस्ट एफडीसीज आर इरेशनल इन एंड इन एडवाइजेबल, उनको छोड़ के बाद बाकी सबकी सब कैसी है, इरेशनल है और इन एडवाइजेबल है, नहीं लेना चाहिए, उनको लेने की सलाह नहीं दी जाती है. तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बात समझ में आई. कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एलोपैथिक ड्रग विद आयुष ड्रग, अब तुम एलोपैथिक और आयुर्वेद को मिलाओ कोई फायदा नहीं है. आर नाइदर टेस्टेड, आज तक अभी इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई कि आप एलोपैथी भी खाओ और आयुर्वेद भी खाओ तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना, उनको सर्टिफिकेट मिला. एंड दिस इज अनदर मेजर ग्रुप ऑफ इरेशनल ड्रग, ये भी इरेशनल है, अतार्किक है कि आप सेम चीज के लिए, सेम मर्ज के लिए आयुर्वेद भी खाओ, सेम मर्ज के लिए एलोपैथी भी खाओ. आज तक इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया गया है, आज तक इस चीज के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं, तो इसीलिए ये चीज भी करना क्या है, इरेशनल के अंदर आ जाता है. Another large set of formulations are drug which have no therapeutic value or have much less value than a generic preparation of the active ingredient. क्या कह रहा है? दूसरा अगर हम बात करें तो कुछ formulations ऐसे हैं जिनका कोई भी therapeutic value नहीं है, मतलब ही नहीं है, या उनकी जो क्षमता है वो असली generic preparation से काफी कम है, ठीक है, तो वो भी market में available है. जैसे कि कह रहा है example many cough syrups, pain killer tonics, ग्राइप वाटर, डाइजेस्टिव एनर्जाइजर जो एनर्जी देते हैं एंड सो ऑन, ऐसे मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन है, सीरप्स हैं, पेन किलर हैं, बहुत सारे टॉनिक्स हैं, बहुत सारे ग्राइप वाटर्स हैं, डाइजेस्टिव्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, कुछ ठीक नहीं करते, या जो वैल्यू है उनकी वो बहुत ना के बराबर है, लेकिन मार्केट में है वो, ठीक है. अब क्या कह रहा है, अनदर लार्ज सेट आर बेसिकली, और एक बात करें अगर हम लोग तो दूसरी कैटेगरी क्या है, ड्रग्स विच आर माइनर एंड लेस इफेक्टिव ड्रग्स एंड मोर हजार्डस, मतलब इफेक्ट कम है और नुकसान साइड इफेक्ट ज्यादा है, और मोर कॉस्टली, या सेम केमिकल का जो दवा है वो सस्ती मार्केट में अवेलेबल है लेकिन कुछ लोगों ने उसको बड़ा कॉस्टली बना रखा है, ठीक है, सेम दवा को तो वो कॉस्टली के चक्कर में ही मार्केट में अवेलेबल है, ये भी क्या है, नुकसानदायक ही है कहीं ना कहीं. ओके, मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स कंप्राइज एंटीबायोटिक, कौन कौन आते हैं इनके अंदर, एंटीबायोटिक, विटामिंस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, जो ये बात की हमने इस हेडिंग के अंदर, उसके अंदर ज्यादातर कौन कौन आता है, एंटीबायोटिक आते हैं, विटामिंस आते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी आते हैं. अब क्या कह रहा है, देर आर ऑल्सो नंबर ऑफ ड्रग्स दैट हैव बीन क्लियरली बैंड बाय द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जो क्लियर कट बैंड है, यूज ही नहीं करने हैं, बट Which is still available in the market. अब भी मार्केट में अवेलेबल है, कैसे देखा, ये तो सारा खेल है. एंड कंटिन्यू टू बी प्रिस्क्राइब एंड यूज, लगातार डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, और यानी कि अब यहां बात समझो, डॉक्टर्स को पता है कि DRA, कुछ डॉक्टर्स, देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ है जिनके अंदर लालच थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, उनको पता है, उनके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहता है कि DRA ने इन दवाओं को बंद कर दिया है, ठीक है भाई, दवा कंपनी अगर कोई बना रही है तो उसका तो लालच है, उसका पूरा कंपनी का सेटअप नुकसान हो जाएगा, एटलीस्ट डॉक्टर होने के नाते आप लोग तो मत लिखिए. खैर आगे आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर देम थ्रू सम वीकनेस, अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ देम देयर थ्रू सम वीकनेस, कुछ वीकनेस होती है, DRA ने कुछ पॉइंट देकर उसको बंद किया तो कंपनी के वकील ने कुछ दूसरा पॉइंट देकर के उसको रोक लिया, अब चल रही लड़ाई, ठीक है. इन द बैनिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर बैन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, तो कंपनी के जो वकील वो लोग होते हैं वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर देते हैं. और सम टेक्निकल डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड टू कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर, और कुछ ऐसी टेक्निकल खामियां निकल आती हैं, डॉक्यूमेंट्री खामियां निकल आती हैं जिससे कि वो लोग कॉन्ट्रावीन मतलब उल्लंघन करते हैं किसका, ऑर्डर का. DRA ने ऑर्डर दे दिया इसको बंद करो, कंपनी वाले कह रहे नहीं करेंगे, वो अपना एक खर्रा लगा देते हैं जाके कोर्ट में केस कर देते हैं कि देखिए इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, हमारा ऐसा ऐसा है, तो कुछ ऐसे मारूर रहता है. DRA को पता है गलत है लेकिन कंपनी क्या कर रही है, अपना कुछ लगा करके उसको मार्केट में उतार रही है, मार्केट में उतार रही है तो फिर वो चल रहा है मार्केट में.
तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना, ये अलग लेवल का खेल चलता है। फिलहाल सब ये बातें पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है। तो अब मैं अगर तुम लोगों से कहूं कि ये जो हजार्डस ड्रग वाला टॉपिक था हमारा, ये बेसिक नॉलेज के लिए एक तरह से कि हमको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा चीजें हैं, मार्केट में चीजें हैं, दिक्कत है इन सब चीजों से। नाउ एफडीसी का जो हमने जिक्र किया, अब समझ लें एफडीसी क्या है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस एफडीसीज आर फॉर्मुलेशंस ऑफ टू और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब केमिकल्स कंबाइंड इन अ सिंगल डोजेस फॉर्म अवेलेबल इन सर्टेन फिक्स्ड डोजेस, ठीक है। जैसे कि अगर हम एचआईवी ड्रग की बात करें तो ए ट्रिपला करके नाम से है मार्केट में, इसके अंदर 600 एमजी कंबाइंड होता है, ठीक है ना, एफावीरनेज, एम्ट्रीसिटामिन और टीनोफोवीर डीएफ, ये मिल करके क्या बनाते हैं, ए ट्रिपला। ये तीनों मेडिसिन जो अलग अलग हैं, तीनों केमिकल को एक में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ए ट्रिपला बन जाएगा, ठीक है। ये मार्ग, तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है कि एक टैबलेट ऐसी है जिसके अंदर अलग अलग केमिकल मिला करके एक एफडीसी बना दी गई है, क्लियर है, एफडीसी बोलते हैं, बात समझ आओगे। ओके, फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द डोजेस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप, ये तभी एक्सेप्टेबल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया और उतार दिया, है ना, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। जब क्या हो, पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन हो उसके ऊपर अगर उसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, है ना, ये नहीं कि किसी एक आदमी के ऊपर हो रहा है, पूरे पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अगर उसके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं तो वो वैलिड है। एंड व्हेन द कॉम्बिनेशन हैज अ प्रूवन एडवांटेज, या इस कॉम्बिनेशन को बना करके उसके पूरा ट्रायल किया गया हो, बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च की गई हो और उसके एडवांटेज प्रूफ हुए हो ओवर ए सिंगल कंपाउंड, किसके ऊपर, कि सिंगल खाने के बजाय तीनों मिला के खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, ये चीज प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, क्या है ना। तो क्या प्रूफ होना चाहिए कि सिंगल कंपाउंड की जगह अगर ये सब मिला करके एफडीसी खाओगे, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन खाओगे, तो क्या करेगा ये, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, सेफ्टी और कॉम्प्लायंस वो ज्यादा बेटर है किसके कंपैरिजन में, सिंगल एक मेडिसिन खाने के कंपैरिजन में ये कॉम्बिनेशन खाने में ज्यादा फायदा है, अगर ऐसा प्रूफ होता है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। एफडीसी बाय सिंप्लीफाइंग द मेडिकेशन रेजिमेन, रेजिमेन होता है जो पूरा कोर्स चलता है दवाइयों का, है ना, जो पूरा कोर्स चलेगा 20 दिन 25 दिन 21 दिन उसको रेजिमेन कहते हैं, ठीक है ना। एफडीसी बाय सिंप्लीफाइंग द मेडिकेशन रेजिमेन मे इंप्रूव मेडिकेशन कॉम्प्लायंस बाय रिड्यूसिंग द पिल्स बर्डन ऑफ द पेशेंट, कॉम्प्लायंस मतलब कि जिस तरह से बोला गया उसका अनुपालन करे वो। तो अब होता है क्या, मान लो चार दवाइयां हैं और वो खानी है एक एक करके सुबह दोपहर से अलग अलग करके, और अगर वो चारों का कॉम्बिनेशन एक में है तो अब एक ही टैबलेट खानी है, वो ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि चार खानी हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करता है एफडीसी, नो डाउट, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है पेशेंट के लिए। आगे आते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैन्युफैक्चर अ वाइड नंबर ऑफ एफडीसीज एज नोवल प्रोडक्ट विदाउट एडिक्वेट सपोर्टिंग एविडेंस, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं लेकिन उसके सपोर्ट में कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि हाँ ये फायदा ही करेगा, है थोड़े बहुत कुछ है लेकिन पर्याप्त नहीं है, उतना हम कहेंगे कि इतना चीजें पर्याप्त नहीं है, प्रॉपर ठोस होना चाहिए, ठोस नहीं है। ऑफ प्रूवन बेटर एफिकेसी ओवर ए सिंगल डोज, ड्रग सेफ्टी एंड कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना रही हैं बहुत सारे एफडीसी वो उतार तो दिए मार्केट में लेकिन उसका कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं है कि वो बेटर है सिंगल ड्रग के कंपैरिजन में, सेफ्टी के मामले में और कॉस्ट के मामले में, क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बातें थी जो हमको समझ में आई कि क्यों लाई गई मार्केट में, आसानी हो जाती थोड़ी सी, चीजें सिंपल हो जाती हैं, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, आगे देखते हैं। नाउ कंसर्न्स विद फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, चिंता का विषय, क्या क्या चीजें हमें सोचनी है, समझनी है, क्यों चिंता करना है एफडीसी के बारे में। एफडीसीज आर हाईली पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, अमेरिका वगैरह तुरंत बैन होती चीजें। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एफडीसीज आर अवेलेबल इन द फार्मास्यूटिकल मार्केट, मार्केट में काफी सारी एफडीसी अवेलेबल है, दे आर हाईली प्रमोटेड एंड प्रिस्क्राइब टू कवर अप फॉर डायग्नोस्टिक इम्प्रिसाइजन, ये क्यों प्रमोट की जा रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही है, अगर डायग्नोस्टिक इम्प्रिसाइजन है, इम्प्रिसाइजन मतलब अस्पष्टता, डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा कि यार इससे मिलता जुलता ये भी है, इससे मिलता जुलता ये भी है, मरीज को चार दवाई देंगे इससे बेटर है इस एक दवाई में चार चीजें सब कवर हो जाएंगी, ठीक है, एक बता रहा हूं मैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, फिर कह रहा हूं मैं, कहीं कहीं हो रहा है ना ये, मतलब जहां अच्छे लोग हैं वहां थोड़े बुरे लोग भी हैं, तो कहीं कहीं हो रहा है। आगे आते हैं, तो जब अस्पष्टता है, डायग्नोस क्लियर नहीं है, तो वो एफडीसी देने में ज्यादा बेटर समझते हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू लेबोरेटरी फैसिलिटीज, ठीक है,
डायग्नोस्टिक इम्प्रिसाइजन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू लेबोरेटरी फैसिलिटी। ये लेबोरेटरी फैसिलिटी वाला वर्ड काट देना यहाँ से, ये थोड़ा सा अलग लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, इसको हटा देंगे यहाँ से। सच यूज ऑफ एफडीसीज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन रैपिडली गिव राइज टू रेजिस्टेंस। अगर हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल, मान लो एंटीबायोटिक दो या तीन का मिक्सचर है, दे दिया कि ये नहीं तो ये काम करेगी, इससे होगा क्या, रेजिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। एक खा रही है, एक का फायदा नहीं, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, अब दूसरी एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगी, विच इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, जो कि एक चिंता का विषय है। द प्रॉब्लम गेट्स वर्सन, वर्सन मतलब बहुत बुरा हो जाना, ये समस्या और बुरी हो जाती है, एज दीज एफडीसीज आर फ्रीली अवेलेबल एज ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ओटीसी, पता ना, ओटीसी समझा चुका हूं मैं, ये जो एफडीसी है ओटीसी के तौर पे मौजूद है, और ये बात सबको पता है, जो लोग मेडिकल स्टोर में बैठते हैं या जानते हैं, जिनके घरों में मेडिकल स्टोर है वो जानते होंगे। अब अगर एफडीसी को समझ पा रहे हो तो दिमाग में आ गया होगा कि ये सब दवाइयां मेडिकल स्टोर में मेरे एफडीसी हैं, और ये तो धड़ल्ले से बिक रही है, आदमी ऐसी मांग के ले आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं, कंसर्न्स रिलेटेड टू एफडीसी, बहुत सारी बातें हैं, सेफ्टी कंसर्न है, इंक्रीज पोटेंशियल फॉर मेडिकेशन एरर है, मेडिकेशन एरर बढ़ सकता है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म आयुष प्रैक्टिशनर क्वैक्स, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं वो कई बार इसको लिख देते हैं, उनको पर्याप्त नॉलेज नहीं होती है, इन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कई बार इफेक्टिव नहीं होता है, डिफरेंस इन देयर रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी टू ड्रग, रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, ड्रग की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, इन इफेक्टिव डोजेस, जो बना तो दिए लेकिन डोज क्या इफेक्टिव नहीं है, एब्यूज लायबिलिटी, आदत लत लग सकती है, डिफरेंस इन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, जो दो ड्रग दिए गए हैं उनकी हाफ लाइफ अलग अलग है, वो भी समस्या खड़ा करता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बाद में। एफडीसी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, एफडीसी विस-अ-विस को पैकेज ड्रग, यानी कि जो एफडीसी को कई बार क्या है लोग उससे समझ लेते हैं, को पैकेज ड्रग मतलब होता क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, कि पैकेट एक ही रहेगा, उसके अंदर एक दो और एक, ये दो दवाइयां एक है और ये दवा, मतलब पैकिंग एक साथ कर दी गई है। हुआ क्या कि बजाय इसके कुछ खास बीमारियां होती हैं जिसमें ये तीन टैबलेट साथ ही खाई जाती हैं, खानी ही खानी है, तो कंपनी क्या कर रही है, इन तीनों की एक पैकिंग बना देती है। अब तो ये एफडीसी नहीं है, ये को पैकेजिंग है, एक साथ पैक कर देना, दिस इज नॉट एफडीसी। अब इसका एग्जांपल समझेंगे, स्टेप अप थेरेपी, स्टेप अप थेरेपी क्या होता है, समय समय पर जब दवाइयों का डोज कम ज्यादा करना, मान लो तीन इंग्रेडिएंट एक टैबलेट में, एक टैबलेट उसके अंदर केमिकल वन, केमिकल टू और केमिकल थ्री, हम चाहते हैं कि केमिकल टू को बढ़ा दें कुछ टाइम के बाद, तो भैया अब दिक्कत है, ये भी खा रहे हैं और मार्केट में मान लो ये 100 mg है, मार्केट में अवेलेबल है 200 और या 500, हमको बढ़ानी अगली 100 ही है, ठीक है ना, मतलब हम 200 ही बढ़ाना चाहते हैं, तो 100 बढ़ानी, 100 की टैबलेट ही नहीं है। अब अगर ये टैबलेट देते हैं तो 100 और 200 कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, बढ़ाने में बड़ी दिक्कत आएगी, ये सब बातें अभी इसमें होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, अब ये सारी हेडिंग को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो सेफ्टी कंसर्न हमको पता ही है क्या होता है, द मोस्ट सीरियस कंसर्न विद इरेशनल एफडीसी इज रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सबसे बड़ा इसका जो सेफ्टी कंसर्न में क्या है, ड्रग रिएक्शन होने का सबसे बड़ा चांस होता है, ठीक है। इन केस ऑफ पेशेंट सफर फ्रॉम एनी ADR, इट इज डिफिकल्ट टू पिनपॉइंट द ऑफेंडिंग एजेंट, अगर वो ड्रग रिएक्ट कर गया तो इसमें कौन सा केमिकल रिएक्ट किया है समझने में बड़ी दिक्कत आती है, ऑब्वियसली बात है, टैबलेट खाई रिएक्ट कर गई, अब किस केमिकल ने रिएक्ट किया नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। इंक्रीज पोटेंशियल फॉर मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। मल्टीफोल्ड यूज ऑफ ड्रग्स कंपाउंडेड बाय कंफ्यूजन जनरेटेड बाय मल्टीपल ब्रांड्स नेम्स, ठीक है ना, जो ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है कंपाउंड ड्रग का, मल्टीफोल्ड यूज ऑफ ड्रग्स कंपाउंडेड बाय कंफ्यूजन जनरेटेड बाय मल्टीपल ब्रांड्स नेम, अब जो मल्टीपल ब्रांड नेम्स है उसकी वजह से क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। Sometimes even approved FDC formulations contain banned, restricted or never approved drug. कई बार क्या होता है, जो approved FDC है उसके अंदर क्या होता है, हमको उसके अंदर एक banned, restricted और never approved drug मिल जाती है। For example, समझते हैं इसको कैसे, फिनाइल प्रोपेनोलामाइन इज अ banned drug इन अदर कंट्रीज ड्यू टू द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। निमोसलाइट कंटेनिंग formulations हैव बीन banned फ्रॉम यूज इन children बिलो 12 ईयर, ये बात तो आई थिंक सब लोगों को पता होगा निमोसलाइट के बारे में। इंडिया में निमोसलाइट बैन है 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए, बट ये स्टिल दी जा रही है ना, कॉम्बिनेशन में जो एफडीसी कॉम्बिनेशन पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में निमोसलाइट चलाया जा रहा है। तो ये चीज कहना चाह रहा है यहां पर कि ऐसे दवाइयां जो बैन है वो क्या है, एफडीसी के अंदर डाल करके चलाई जा रही है।
एफडीसीज आर मार्केटेड विद स्लोगन. एफडीसी को कैसे मार्केट कर रहे हैं? एज इबुप्रोफेन फॉर पेन, जैसे कि आइबुप्रोफेन जो केमिकल है पेन के लिए है, पैरासिटामोल फीवर के लिए है, एंड इबुप्रोफेन फॉर पेरिफेरल एक्शन एंड पैरासिटामोल फॉर सेंट्रल एक्शन. मतलब कि ब्रूफिन पेन के लिए है और ये फीवर के लिए है. तो उसकी जगह बोला क्या जा रहा है, ब्रूफिन जो है, जो एमआर जाएगा डॉक्टर बोलेगा अरे सर ये तो हमारा पेरिफेरल पे एक्शन करता है, पैरासिटामोल हमारा सेंट्रल पे एक्शन करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, बढ़िया काम होगा. ये गलत चीज हो गई. अब स्लोगन बदल दिया, विच आर मिसलीडिंग एंड अनसेफ. अब क्या हो गया, ये मिसलीड हो गया. ये अब यहां पर हमने उसको किस पार्ट पे एक्ट कर रहा है बॉडी के वो समझाया, तो डॉक्टर को लगा कि यार हाँ ये तो इस पार्ट पे एक्ट करेगा, ज्यादा अच्छा असर करेगा. लेकिन वो दवाई अगर पेन और फीवर के पर्पज से देखा जाए केवल, तो वो दवाइयां कुछ क्या है, बैन है, मान लो कॉम्बिनेशन बैन है. लेकिन हम लोग उसको दिखा इस तरह से रहे हैं, ये यहां एक्ट करेगा, ये यहां एक्ट करेगा, दोनों, यानी कि ये इस पे एक्ट करेगा, ये इस पे एक्ट करेगा, बॉडी का अलग पार्ट पे एक्ट करेगा तो ज्यादा अच्छा असर होगा, इस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है. बात समझ में आ रही है? सिमिलरली देयर इज नो सिनर्जीज व्हेन टू ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेम एंजाइम. एक ही एंजाइम पे अगर दो ड्रग काम करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई. एंजाइम एक है बॉडी में, मान लो हमारी बॉडी में थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 एंजाइम है जिनका हम लोग काम रोकना चाहते हैं, दो दवाइयां खाई हमने कॉम्बिनेशन, ये 1000 इन्हीं पे तो एक्ट करेगा. ठीक है, सिंगल खाते वो भी एक्ट कर देता, मिक्सचर खा रहे हैं वो भी इसी पे ही एक्ट करेंगे 1000 के 1000. अब मान लो मिक्सचर खाया, 1000 तो एंजाइम थे उनको रोक दिया काम करने से, जो एक्स्ट्रा मेडिसिन होगी वो तो फिर फ्लश आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से बिना कोई काम किए. तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा बस बेसिकली सोचना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है. दस कंबाइनिंग NSAIDs does not and cannot improve the efficacy treatment. यानी कि अगर हम दो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़े हैं ना हम लोग फर्स्ट ईयर में, दो NSAID को मिला करके हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसका कोई भी यूज नहीं है. क्लियर है? चलें आगे. नाउ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम आयुष क्वैक्स. ये बातें हमने अभी करी कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जिन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई कर रखी है उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, ठीक है ना, तो उसमें क्या दिक्कत पैदा हो सकती है. आयुष प्रैक्टिशनर्स आर नॉट नॉलेजेबल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जो है उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होने, एंड डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रैशनली चूज एंड प्रिस्क्राइब इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपरेटली. अलग अलग कंपोनेंट को चूज करेगी, ये इसके साथ और इसके साथ मिल करके क्या होगा इफेक्ट करेगा या बेटर इफेक्ट देगा, ऐसा कुछ वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत आती है. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, तो आओ देखते हैं. तो बात समझ में आई कि आयुष क्वैक्स मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर से बात हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट है इन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन बी सीरीज विद एन इनएडिक्वेट डोज बिलो RDA ऑफ ईच विटामिन इज एन इनइफेक्टिव कॉम्बिनेशन. अगर एक विटामिन बी कॉम्बिनेशन की सीरीज है और उसकी जो डोज है बिलो RDA है, ठीक है ना, तो वो क्या है इनइफेक्टिव कॉम्बिनेशन कहलाएगा, वो मतलब उतना ज्यादा असर नहीं करेगा. पेशेंट डिफर इन देयर रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी टू ड्रग. अब होता क्या है, कॉम्बिनेशन तो बना दिया, एक ड्रग के लिए एक पेशेंट का रिस्पॉन्स अलग है, एक ड्रग के लिए एक पेशेंट का रिस्पॉन्स अलग है, तो एडजस्टमेंट इन डोजेज एंड डोज इंटरवल में भी नेसेसरी. अब क्या होता है, एक को हम चाहते हैं, मान लो एक के अंदर कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 100 mg है लेकिन हम चाहते हैं वो 50 mg ही दे, अब वो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, तो हमको सेपरेट दवाई ज्यादा बेटर रहता है. इनइफेक्टिव डोजेज एडजस्टमेंट, डोज ऑफ सम ऑफ द ड्रग्स नीड टू बी एडजस्टेड. कुछ डोज की ड्रग्स जो होती है कुछ ड्रग्स की डोज जो होती है एडजस्ट करनी पड़ती है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, एफडीसी के अंदर. एब्यूज लाइबिलिटी है ना, सम कॉम्बिनेशन हैव एब्यूज लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल एफडीसी कंटेनिंग डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सीफीन फिनोबार्बिटोन एंड कॉर्टिकोस्टीरॉइड, ये क्या है, इनके एब्यूज होने के यानी कि इनका मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डिफरेंस इन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एफडीसी. अब ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हाफ लाइफ मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जाकर के वो कितनी देर या कह सकते हैं कितनी देर के लिए स्टेबल है, ये कह लो हाफ लाइफ कितना, कितनी देर में वो दवा बॉडी से हम कह सकते हैं फ्लश आउट हो जाएगी, कितनी देर के लिए बॉडी में काम कर रही है, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ के चलते हैं हम लोग. क्या कह रहा है, रिफैम्पिसिन हैज ए वेरिएबल बायो अवेलेबिलिटी, है ना, कि बॉडी में कितनी अवेलेबल है फ्रॉम सॉलिड ओरल डोज फॉर्म्स, दस इट्स पोटेंसी विल बी सीवियरली अफेक्टेड बाई यूजिंग फॉर्मुलेशन विद पुअर बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो बॉडी में जाने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि मान लो हमने खाई है 100 mg और उसमें से केवल 70 mg बॉडी को मिली, 30 mg बेकार हो गई. अब यानी कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी, 70% है. अब अगर ऐसे ड्रग्स को हम लोग किसी
ऐसे ड्रग से मिला दें जिसकी बायोअवेलेबिलिटी काफी पुअर है, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर वाले ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी समझ में आ रहा है ना, वो बॉडी में जाने के बाद कितना हमारी बॉडी में असर कर रहा है, एक तरह से उसमें से कितना ग्राम हमारी बॉडी में असर करेगा, कितना बेकार हो जाएगा, तो जिसकी कम है वो दूसरे वाले के ऊपर भी असर डाल देगा। यानी कि अगर रिफेम्सिन 70% सिंगल खाने पे 70 mg हमारे ऊपर असर करती है, 100 खाने पे 70 mg हमारी बॉडी को मिल रही है, अगर किसी के साथ मिक्स कर देंगे तो हो सकता है इस 70 का केवल 50 ही मिले, तो फिर उतना असर निकल के नहीं आएगा, है ना। रिफेम्सिन जो 70 mg का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आना चाहिए था वो ना आकर के केवल 50 mg का इफेक्ट आएगा, जो कि उतना अच्छा नहीं होगा, हमको फिर उतना अच्छा डिजीज में लेकर के इफेक्ट हमको समझ में नहीं आएंगे। अब कह रहा है FDCs एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, FDCs इज वन ऑफ द वे टू एक्सटेंड द पेटेंट। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज FDCs को क्यों फॉलो कर रही है, क्यों प्रिफरेंस देती है, उसका फायदा क्या है? देखो, क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री FDCs बनाना चाह रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है, यही बच्चों के दिमाग चल रहा होगा, कंपनियों को ना रोक दे हम लोग, कंपनी देखो दिमाग खेल रही है। FDCs इज वन ऑफ द वे टू एक्सटेंड द पेटेंट, FDCs एक तरीका है पेटेंट को एक्सटेंड करने का, 20 साल के लिए मिलता है पेटेंट, हम लोग समझ चुके हैं, और उस पेटेंट को बढ़ा लें कैसे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पेटेंट वाली दवा थी उसको लेकर के एक FDCs बना लेंगे। अब आप FDCs का पेटेंट करा सकते हैं तो वो दवा भी अगेन फिर से क्या होगी, पेटेंट हो गई, बात समझ रहे हैं। FDCs may be protected by patents even though the individual active ingredients may be off patent. Single drug तो patent उसका खत्म हो गया है, ठीक है ना, एक drug one था उसका patent खत्म हो गया, लेकिन drug one को mix कर दिया drug two के साथ, मिलकर के एक tablet बना दी, अब इसका फिर से patent करा लिया, तो ये combination क्या हो गया, फिर से patent हो गया, ये clear है। तो इस तरीके से क्या है, वो अपना खेल खेल रही है यहाँ पर। FDCs विश्व इज को पैकेज ड्रग, ठीक है ना, हमको FDCs और को पैकेज ड्रग के रूबरू समझना होगा कि दोनों में अंतर है। तो देखो, को पैकेज ड्रग का मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक है जो हमारे पास पैक्सलोविड करके टैबलेट आती है, इसके अंदर देखो कॉम्बिनेशन है 1, 2 और 3, तीन दवाइयाँ कौन सी है, रिटोनावीर, ठीक है, निर्माट्रीवीर और निर्माट्रीवीर, 150-150 mg ये और 100 mg ये, इन तीनों को मिला के खानी होती है। तो ये लेकिन जो एक्चुअल देखें तो ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है, अगर ये तीनों मिलाकर के एक टैबलेट बना दी जाती तो बनता FDCs, अभी ये है को पैकेज, क्या है ये, को पैकेज, ध्यान रखना को पैकेज मतलब पैकिंग एक में कर दी गई है, बात समझ में आ रही है। तो यही है कि हमें को पैकेजिंग और FDCs में अंतर समझना है। FDCs शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द को पैकेज ड्रग, को पैकेज ड्रग से इसको अलग रखना है, ये अलग चीज होती है। एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी भी क्या होती है, आप क्या कर रहे हैं, एक साथ ड्रग वन और ड्रग टू, मतलब टैबलेट अलग अलग लेकर के एक साथ खा रहे हैं, लेकिन एक टैबलेट में सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिसिन सच एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस आर को पैकेज, तो होता क्या है, एड्स भी है टीबी भी है, तो दोनों मेडिसिन को इस तरीके से मिला करके हम लोग क्या कर देंगे, को पैकेज बना देंगे, ताकि कोई मेडिसिन खाना पेशेंट भूल ना जाए, वो फाड़ेगा तो एक साथ तीनों एक साथ निकालेगा और खा लेगा, है ना, ये सब चीजें हो जाती हैं। आगे आते हैं FDCs विश्व इज स्टेप अप थेरेपी, स्टेप अप थेरेपी में क्या होता है, बीच बीच में हमें कुछ डोज बढ़ानी पड़ती हैं, अब जब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होगा उसमें डोज कैसे बढ़ाएंगे, पॉसिबल नहीं है, है ना। समटाइम्स FDCs आर कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल फॉर इंप्रूविंग कॉम्प्लियंस बट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्टेप अप थेरेपी, कई बार हमें ठीक है कॉम्प्लियंस होता है आसानी हो जाती है, लेकिन स्टेप अप थेरेपी से इसको अलग रखना है, क्यों, मेडिसिन आर एडेड टू रेजिमेन ओवर द टाइम, समय समय पर होता क्या है, हमने एक मेडिसिन खा रहे थे, 10 दिन बाद एक और मेडिसिन ऐड हुई, 10 दिन बाद एक और मेडिसिन ऐड हुई, तो तीन मेडिसिन मिलकर हम लोग एक मेडिसिन खा रहे हैं, ये स्टेप अप थेरेपी थी, कुछ दिन ये चलेगी फिर एक ऐड होगी फिर एक ऐड होगी, लेकिन FDCs में तो शुरू से ही तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो इसको वो नहीं समझ लेना कि अरे डॉक्टर साहब ने अलर्ट लिखी हम एक ही लेके खा लें, ना, वो दवाई समय के साथ बढ़ेगी तो उसको उसी हिसाब से बढ़ाना है, FDCs में क्या रहेगा, तीनों एक साथ रहती हैं, तो ये है स्टेप अप थेरेपी और FDCs का डिफरेंस, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। नाउ रैशनैलिटी ऑफ FDCs कि क्या FDCs सही है, तार्किक है, तो यस, कुछ जगह पे FDCs बिल्कुल तार्किक है, जैसे मैंने बताया कई बार क्या होती है, दो ड्रग्स मिलकर के एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करती है और सिंगल उतना अच्छा असर नहीं करेंगे जितना एक दूसरे के साथ मिलकर असर करती है, तब FDCs रैशनल हो जाती है, बात समझ में आ रही है। तो द रैशनैलिटी ऑफ FDCs इज बेस्ड ऑन सर्टन एस्पेक्ट विच आर एज फॉलो, उसकी रैशनैलिटी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, कैसे,
द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग्स कंबाइंड इन फॉर्मुलेशन मस्ट नॉट बी वाइडली डिफरेंट. जो दो ड्रग्स कंबाइंड करके बनाएंगे उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स अलग अलग नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा. द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन शुड नॉट हैव सुपरा एडिटिव टॉक्सिसिटी. ऐसा ना हो कि इसको इसको मिलाया और दोनों को मिलकर के एक अलग ही लेवल का टॉक्सिक हो गया, मतलब टॉक्सिक लेवल बढ़ गया बहुत ज्यादा. ऑफ इंग्रीडियंट्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स, है ना. टॉक्सिसिटी जो है ऐसा ना हो कि दो को मिलाए और उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ सम रैशनल एफडीसी सच एज. कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन कौन से जो अप्रूव्ड हैं, ठीक है ना, WHO द्वारा. जैसे सल्फामिथॉक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम, एंटी ट्यूबरक्लोर एफडीसी लाइक रिफेम्सिन, आइसोनियाजिड एंड इथेम्ब्यूटॉल. अगर कभी आपने उन्हें टीबी के पेशेंट से रूबरू हुए होंगे तो टीबी के पेशेंट की दवा देखोगे तो ये कंबाइंड मिल जाता है हमको उसमें. एंटी पार्किंसोनिज्म अगर किसी को है तो लिवोडोपा और कार्बिडोपा एक साथ मिलाकर टैबलेट बना दी जाती है. तो कुछ जगहों पर तो ये तार्किक है कि यस प्रूव है. क्या कंडीशन है, कंडीशन ऊपर देख ली. दो कंडीशन है जिनमें अगर ये दोनों फॉलो होती है तो हम लोग एफडीसी को अप्रूव कर सकते हैं. हम लोग मतलब जो अथॉरिटी है वो करेंगी. नाउ द मीनिंग ऑफ फेक ड्रग कॉन्सिक्वेंस कॉज एंड पॉसिबल सॉल्यूशन. तो क्या कह रहा है मीनिंग, खतरा. मीनिंग मतलब क्या, खतरा. नकली दवाइयों का खतरा, ठीक है ना, उसके परिणाम, उसके कारण और उसका इलाज. क्लियर है. नाउ लास्ट टॉपिक है DRA maintains and enforces. DRA बना के रखता है और लागू करता है regulatory requirement for quality of pharmaceuticals manufactured. वो pharmaceutical जो manufacturing हो रही है दवाइयों की उसको maintain करता है और regulate करता रहता है. और regulate करने के लिए जो एक पूरा group है जिसको हम लोग कहते हैं GMP, a group of regulation collectively known as good manufacturing practice, है ना. उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएमपी के नाम से जानते हैं. जीएमपी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ सिस्टम. ये एक सिस्टम है फॉर इंश्योरिंग, जो कि सुनिश्चित करता है, डिसाइड करेगा एकदम, मतलब सुनिश्चित करना मतलब है ना कि निश्चित कर दे कि हाँ ऐसा ही होगा. डैट कि प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड, लगातार प्रोडक्ट बनते रहे एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन रहेंगे और उसी हिसाब से बनेंगे, उससे दायें बाएं हटके नहीं बनेंगे स्टैंडर्ड से. इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू द टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट. ये इस हिसाब से डिजाइन की गई है, डिजाइन किया गया है कि मिनिमाइज कर दे रिस्क जो कि इन्वॉल्व होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू द टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट. कुछ चीजें ऐसी हैं कि फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करके हम लोग उसमें से वो चीज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कुछ नुकसानदायक चीजें होती हैं. मतलब मान लो फाइनल प्रोडक्ट हमने टेस्ट भी किया, उसके अंदर सब चीज ठीक भी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं. तो अगर हम जीएमपी फॉलो करते हैं, ठीक है, तो कभी भी क्या है, प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड से हटके नहीं बनेगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड बनता है हमारा, ठीक है. तो जीएमपी बात समझ में आ गई क्या है. अब 10 प्रिंसिपल्स क्या है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्रॉपरली. प्रॉपरली और फैसिलिटी को प्रॉपरली बनाए. फॉलो रिटर्न प्रोसीजर, जो प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करें. वर्क को पूरा डॉक्यूमेंटाइज करें, क्या क्या हो रहा है, कब कब हो रहा है. मॉनिटर फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को और फैसिलिटीज को देखते रहें. राइट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जितना भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका है, उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखें एंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन. और बिल्कुल इंस्ट्रक्शन पर ही काम करें, उससे हटके काम ना करें. डिजाइन डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंस, जो जॉब है उसको डिजाइन करें, डेवलप करें और डिमॉन्स्ट्रेट करें. किसको क्या काम करना है, कब क्या काम करना है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटेमिनेशन, किसी भी टाइप का कोई भी कंटेमिनेशन मतलब होता है दूषित होना. जो प्रोसेस चल रही है तो उसमें किसी भी तरह का जो हमारा फॉर्मुलेशन है दूषित नहीं होना चाहिए. कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेस, हमको कंट्रोल करना है कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेस. जो जितनी प्रोसेस है उसको हमको क्या रखना है, कंट्रोल में रखना है. कंट्रोल उसके ऊपर नहीं खोना चाहिए. हमारा कंट्रोल का मतलब है कि चीजें जैसी चाहते हैं वैसी हो, उससे हटके ना हो. कंडक्ट प्लान्ड एंड पीरियोडिक ऑडिट्स, एकदम प्लान्ड और पीरियोडिक ऑडिट्स. ऑडिट्स होता है कि चीजों को टाइम टाइम पे चेक करते रहना कि सारे इक्विपमेंट्स, हर एक चीज प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है. फैक्ट्री में 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर के अंदर एक ऑडिट होता रहना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट सही है कि नहीं है. मशीन जो चल रही है, टेम्परेचर दिखाने वाली सही दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है. पीएच दिखाने वाली सही दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है. तो ये कंट्रोल प्लान्ड एंड पीरियोडिक ऑडिट्स, ऑडिट्स होते रहने चाहिए. अब क्या कह रहा है, फिर ये तो हो गया इसके प्रिंसिपल.
अब क्या कह रहा है, कुछ बात बता रहा है यहां पर, डिस्पाइट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन पे क्वालिटी कंट्रोल रहे, उसके इंपोर्ट पे कंट्रोल रहे, एक्सपोर्ट पे कंट्रोल रहे, स्टोरेज सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज पे कंट्रोल है, कोई भी चीज सब स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड से नीचे ना हो एंड नकली ना हो, ठीक है। ठीक है, नकली ना हो, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, नकली दवाइयां और सब स्टैंडर्ड दवाइयां मार्केट में इंक्रीज कर रही है ना, कह रहा है डिस्पाइट, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हर एक चीज पे, लेकिन उसके बावजूद सब स्टैंडर्ड और नकली दवाइयां मार्केट में इंक्रीज हो रही हैं, और खासकर उस एरिया में हो रही हैं जहां पर ड्रग रेगुलेशन का जो इंप्लीमेंटेशन है ढीला हो जाता है, लैक्स, लैक्स मतलब ढीला, ठीक है, जहां पर ड्रग रेगुलेशन का इंप्लीमेंटेशन क्या पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, वहां पर ये नकली दवाइयों का और ये सब चीजें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ काउंटरफिट, नकली दवाइयों का समस्या जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों फेस कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट रियली नोन, जो प्रॉब्लम की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है वो एक्चुअली बिल्कुल हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल स्टडी, पूरी दुनिया की स्टडी हम लोग नहीं कर पाते हैं कि जो ये समस्याएं हैं नकली दवाइयों इन सब चीज़ों का, वो पूरी वर्ल्ड लेवल पे मौजूद नहीं है। एंड दूसरा रीजन क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन डेफिनेशन यूज्ड, जो डेफिनेशन यूज की जाती है स्टैंडर्ड की अलग अलग कंट्री में बदल जाती है, तो उसकी वजह से इसको एकदम एग्जैक्ट जांच पाना कि पूरी दुनिया में कितना ये नकली दवाइयां और सब स्टैंडर्ड चीजें मौजूद हैं उसका पता कर पाना पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट डेफिनेशन टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को डिफाइन करने का हर जगह अपना अलग अलग तरीका है, मेकिंग इट हार्ड टू नो एग्जैक्टली विच प्रॉब्लम इज बींग रेफर्ड टू वेन दिस टर्म इज यूज, ठीक है ना, तो कौन सी प्रॉब्लम रेफर की जा रही है, कौन सा टर्म इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, हम लोग किसी चीज में कुछ किसी चीज को कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी कंट्री उसी चीज को कुछ और बोल रही है, किसी के लिए वो चीज ठीक है, किसी के लिए वो चीज ठीक नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस WHO डिस्क्राइब स्प्यूरियस, ठीक है ना, जितना भी प्रैक्टिकल पर्पज है WHO ने कुछ टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब जो खराब से, फॉल्स, झूठे, झूठे लेबल, फॉल्सिफाइड, काउंटरफीट, नकली, है ना, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि सब स्टैंडर्ड और नकली दवाइयों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। डेटा डेलिबरेटरी एंड फ्रॉडुलेंटली मिसलेबल्ड मेडिसिन विद रेस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एंड सोर्स, जो ऐसी दवाइयां हैं जो कि जानबूझकर, है ना, मार्केट में लाई गई हैं, फ्रॉड करके लाई गई हैं, या लेवल उनका गड़बड़ है करके, उनको WHO ने कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, स्प्यूरियस, फॉल्सली लेबल्ड, फॉल्सिफाइड, काउंटरफीट, ठीक है ना, इस तरीके से मेडिसिन डेटा डेलिबरेटरी, ये वो मेडिसिन हैं जो डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, एंड फ्रॉडुलेंटली मिसलेबल्ड, जानबूझकर की जाती है मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास जनरल फार्माकोलॉजी की, ठीक है, कुछ बातें इसमें हैं और कुछ बातें बिल्कुल नहीं होंगी तुम लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन बार लेक्चर को देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सब चीज़ें सीक्वेंस चल रहा है दवाइयों को समझने का, कि जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, तो लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, एक बार में क्लियर नहीं होता है तो रिपीट करेंगे, बात समझ में आ रही है, और रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्लियर है, तो पढ़ना है और रिवाइज करना है, ओके, ऑल द बेस्ट।